तो बैच जब लगता है तो उस समय छाती बोलते हैं ना 56 इंच, तो वो 56 इंच की तरह हो जाती है एक्चुअली। तो एक्चुअली पूर्ण जो कमांडो हैं 90 डेज में भी नहीं होते हैं, जब तक मतलब आप फील्ड में नहीं जाते हैं। लेकिन आज हम बचेंगे नहीं, चारों पांचों इसी में हम खत्म हो जाएंगे। उनका आईडी से पैर उड़ गया था। अगर दिमाग से मजबूत है तो इंसान टूटेगा नहीं। शरीर तो थकता है लेकिन दिमाग नहीं थकता है, वही कमांडो का सबसे बड़ा पावर है। मोहित शर्मा साहब का मतलब इतना वो था, उनके अंदर जज्बाती वो थे कि किसी भी चीज के लिए कि वो ठान लेते थे तो वो सुनते नहीं थे किसी की, वो चीज हासिल करके रहते थे। हम बीच में थे, पीछे हमारा ट्रूप्स, आगे मिलिटेंट। बीच 16 साल 16 एंड हाफ में भर्ती हो गया था और वही 6 7 महीना हुआ था, तो पहली बार मैंने वो फायर देखा था। उसी ऑपरेशन उसी कैंप को फोरपैरा ने मतलब फिनिश किया, तबाह किया। जैन सर, हाय अभिषेक। जैन क्योंकि आपकी एक सुनाई है जो मुझे बार बार याद करा रही है, फना होने की इजाजत दी नहीं जाती तो देशभक्ति है जनाब, पूछ के नहीं की जाती। देखिए, देशभक्ति की जो है कि देशभक्ति हमारे खून में, जो हमारे रग है, खून है, उसके अंदर भरा रहता है। और एक किसी से न तो ली जाती है न दी जाती है, ये अचानक ऐसा मोमेंट आता है कि आपके सिचुएशन, आपके सामने ऐसा कुछ सिचुएशन क्रिएट होता है कि आपका अपना जुनून, आपका जो रग के अंदर आपका ब्लड जो दौड़ रहा है जागृत होता है, और आप उस काम को किल करने की आपके अंदर कयामत पैदा होती है, और आपके अंदर ऑटोमेटिक देशभक्ति की भावना पैदा हो जाती है। ठीक है, कि जो 17 साल की उम्र में जो आपने ये कारनामा करके दिखाया, ये आपका पहला ऑपरेशन था या इससे पहले भी आपने ऑपरेशन किए थे? नहीं, हमारा फिलहाल हमारी टीम जो थी बेली में थी, उस समय हमने बहुत सारे मतलब अनगिनत ऑपरेशन कंडक्ट कर चुके थे। तो वो जो ऑपरेशन था, हम तकरीबन साउथ बेली के अंदर ऑपरेट कर रहे थे। तो हमारा टीम कमांडर एडी शाह साहब थे अभी, जो कि ब्रिगेडियर हैं। तो हम लोग 2 3 दिन से ऑपरेशन, हमारे को इनपुट मिल रहा था कि लोलाब के अंदर एक जगह था जहां पर मिलिटेंटों का आवागमन था, और उसको हम फॉलो कर रहे थे। तो 2 दिन पहले हम लॉन्च कर चुके थे ऑपरेशन, और उसी एरिया में हम थे। तो घूमते 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 हम काफी थक चुके थे। तो कमांडो के अंदर एक चीज है कि कमांडो कभी थकता नहीं है, दिमागी तौर पर सर हमेशा वो ताजा रहता है। आपसे जो कि मैं बताऊं, मुझे ये बताओ कि 17 साल की उम्र में वो कैसा जोश था कि जाके आपने जिस चीज की कमान संभाली थी वो जाके पूरा तो किया ही, साथ में देश के अफसर की जान भी बचाई, ये हमें पता चला है। तो वो उतना जोश कहाँ से था, कैसे सर, कैसे प्लीज बताएं। देखिए अभिषेक, क्या है कि 17 साल की एज में तो हम एक बच्चे थे, बट हमारे जो उस्ताद थे, हमारे जो सीनियर थे, जेएसओज ऑफिसर, उनसे हम मोटिवेट होते थे, उनको हम देखते थे, उनकी काम करने की, उनकी प्लानिंग, उनकी लड़ाई, उनकी टीम और यूनिट के प्रति जो जज्बा होता था, उसको हम देख करके ऑटोमेटिक मोटिवेट होते थे। तो जब भी हम ऑपरेशन में जाते थे, उनके मतलब प्लानिंग और उनकी मोमेंट, उनकी सेफ्टी, ट्रुप्स की सेफ्टी, उसके बारे में हम देखते और रीड करते थे कि क्या उनकी हरकत हो रही है, कैसे वो अपने ट्रुप्स को लीड कर रहे हैं, उनकी प्लानिंग क्या, टेररिस्ट के अगेंस्ट क्या हो रही है। तो इस टाइप से हम जब उनको फॉलो करते थे तो ऑटोमेटिक हमारे दिल में, दिमाग में वो चीजें चलती थी। जैसे आपसे एक चीज बताऊं कि अगर फायर आ रहा है टेररिस्ट का हमारे ऊपर, तो पहले से हमारे दिमाग में प्लानिंग होनी चाहिए कि हम कहां पर डाइव मारूं, कहां पर पोजीशन लूं, ये चीजें चलती रहती थी। ये नहीं कि फायर आ गया अभी मैं क्या करूं, नहीं, अगर मैं चल रहा हूं ट्रुप्स के साथ लीड कर रहा हूं, तो हमारे दिमाग में चीजें आनी चाहिए कि अगर फायर हमारे ऊपर आता है तो मेरा पोजीशन क्या होगा, मेरे ट्रुप्स का पोजीशन क्या होगा, हम उसको कैसे इनकाउंटर करेंगे। समझ रहे हैं बिल्कुल अभिषेक? तो ये बिल्कुल चीजें बिल्कुल ऑटोमेटिक मतलब चलती रहती है। ये नहीं कि हमारे ऊपर कुछ भी हो गया, आ गया, अभी उसको मैं कैसे करूं, नहीं, पहले से हमारे दिमाग में वो चीज चलनी ड्रिल्स। चाहिए। ठीक है, शरीर तो थकता है लेकिन दिमाग नहीं थकता है, वही कमांडो का सबसे बड़ा
पावर है। कि 2-3 दिन हमारे को हो गया था, और मैं जैसा कि आपको बताया कि कमांडो कभी भी थकता नहीं है, शरीर थकती है लेकिन दिमाग नहीं थकता है, वही सबसे बड़ा ऑपरेशन या कमांडो का पावर होता है। ठीक है क्या अभिषेक, बात, तो हम क्या दो बात। तीन दिन हो चुका था, और हमारे साथ सोर्स बोल रहा था कि सर इसी एरिया में है, मिलिटेंटों का हाइड हाउस है, ये वगैरह वगैरह, मतलब काफी कुछ कमेंटों कर रहा था। तो लास्ट में हमारे टीम कमांडर साहब ने बोला कि ठीक है, हम ऑपरेशन को डीइंडक्ट करते हैं और चलते हैं। तो वहीं पर नीचे कैंप था, मुश्किल से 500 मीटर पर कैंप था। तो हम लोग यंग होते थे, हम बोलते थे नहीं साहब, अगर हमारे साथ सोर्स है जो कि बोल रहा है कि नहीं इस एरिया में है बंदा है, तो कुछ न कुछ तो होगा। तो तकरीबन 200 मीटर कटिंग थी, और ठीक उसी कटिंग से हमारा ट्रूप्स ट्रैक को पकड़ के चल रहा था, और मैं स्क्वाड में नंबर 2-3 पे चल रहा था मैं। तो हमारे साथ हमारा मतलब स्क्वाड कमांडर था, इसके बाद PK1 PK2 और 2 बंदे हमारे साथ थे। तो उसी समय स्मेल आई थी हमारे को। तो आपसे मैं अभी तक बताऊं कि हम लोग छोटी छोटी चीजों को डिटेक्ट करते हैं, ये नहीं कि हम जंगल में चल रहे हैं तो आंख बंद करके चलें, नहीं, हम स्मेल आ रही है तो उसको हम फॉलो करेंगे कि आखिर में इस जंगल के इस अंदर स्मेल कहाँ से आ रही है। क्या कोई बात, कुछ खाना बना रहा है, कुकिंग कर रहा है, या कोई चीज जल रही है, आखिर में आ कहाँ से रही है। तो मैंने वहीं पर अपने स्क्वाड कमांडर को बोला कि सर स्मेल आ रही है। बोला कहाँ से आ रही है? मैं बोला इसी ट्रैक से, लेफ्ट साइड से 25-30 मीटर ऊपर से आ रही है। फिर वहीं पर उसने रेडियो सेट से पास किया टीम कमांडर साहब को, उन्होंने हाल्ट कर दिया वहीं पर कालम को, और नीचे मुश्किल से 400 मीटर पर कैंप था। तो जैसे कालम हाल्ट हुआ, फिर टीम कमांडर साहब ने बोला कि यार किसको स्मेल आ रही है? तो हमारा नंबर 2 स्कॉट था, तो बोला कि नंबर 2 स्कॉट से चंद्र विजय को स्मेल आ रही है। तो हमने बोला कि साहब 25 मीटर ऊपर हमारे कुछ स्मेल टाइप हमको आ रहा है। तो बोला ठीक है चेक करो। तो हमने क्या किया, उस समय थके थे, 2-3 दिन हो चुके थे, लेकिन हमारा दिमाग नहीं थका था जैसा कि आपको मैंने बताया। तो हमने ठीक वहीं से चढ़ना शुरू कर दिया 90 डिग्री पर, जहां से स्मेल आ रही थी जिस तरफ। तो जैसे ही 10 कदम गए तो मैंने अपने स्क्वाड कमांडर से बोला कि सर रुको, हम ठीक 90 डिग्री में चढ़ रहे हैं, अगर कुछ होगा भी तो हमको फायर से दबा देगा। तो उन्होंने रुका और हम ठीक वहीं से टर्न किए, थोड़ा सा रिज के स्लोप से हमने चढ़ना शुरू किया। तो मुश्किल से 15-20 मीटर गए थे, इसके बाद उनका कैंप था, हाइड आउट था, और वहां से उन्होंने सरेआम मतलब दबा करके फायर शुरू कर दिया। वो फायर मतलब मैंने अपनी पूरी क्या मतलब 16 एंड हाफ में भर्ती हो गया था, और वही 6-7 महीना हुआ था, तो पहली बार मैंने वो फायर देखा था। तो उस समय टोकर साहब जो कि हमारे इस समय CEO हैं फर्स्ट पैरा के, उस समय यंग होते थे, कैप्टन होते थे, हमारे साथ वो भी थे, तो बोले कि यार पहली बार मैंने भी ऐसा फायर देखा। दबा के मतलब उन्होंने फायर शुरू कर दिया, का आरपीजी। ये कौन से ईयर की बात बता रहे हैं आप? ये मैं आपसे बता रहा हूं मतलब समथिंग 96-97 की बात है, ये समथिंग मुझे नाइनटी टेन से सिक्स सेवन पीक की पे, बात है, मुझे टेन से पीक पीक पे पे। थी, पीक पे। हम लोग उस समय तो सुरनकोट में थे, तो इस कंडीशन में थी कि हम जाते थे। तो यही हुआ कि जैसे ही हम उसको जो स्मेल आ रही थी हम फॉलो करना शुरू किए, और जैसे 30-40 मीटर 30 मीटर ऊपर गए, उन्होंने फायर शुरू कर दिया, और हमारे स्क्वाड कमांडर जो थे फर्स्ट मतलब उनको मारा था स्नाइपर का शॉट उनके हार्ट में, मतलब सीने पे लगा था, और तुरंत वो गिर पड़े वहीं पे, और दबा करके फायर किया, और हम टोटल 4 बंदे सिर्फ ऊपर गए थे, और पूरी की पूरी हमारी जो टीम थी पूरी ट्रैक के ऊपर थी। तो उन्होंने फायर से हमारे को दबा दिया, हम वहीं पर पिन डाउन हो गए। इसके बाद फर्स्ट गोली भी लग चुकी थी स्क्वाड कमांडर को, और वो मतलब गिर पड़े थे, उनका वेपन गिर पड़ा था। तो उस समय सिर्फ जो बात आप कर रहे हैं जोश और उसकी, तो उस समय मेरे को जोश था, मैं यंग था, तो मैंने देखा कि अभी हमारा स्क्वाड कमांडर गिर चुका है, मैं हूं, और 2 बंदे और मेरे से भी यंग थे, 2 बंदे बिल्कुल अननोन थे। अरे तो उस समय हमारे को फर्स्ट यही था कि मिलिटेंटों से स्क्वाड कमांडर को जो गिरा हुआ है, उसका वेपन गिरा हुआ है, उसको निकालना, और हमारे दिमाग में आ रहा है उस समय कि हमारे वेपन भी ले जाएंगे और बॉडी भी ले जाएंगे, ऐसी मतलब स्थिति उस समय बनी थी। तो मैंने अपने नंबर जो 3 था उसको मैंने अपना वेपन पकड़ाया,
फिर अपने स्काट कमांडर का वेपन लिया। इसके बाद बॉडी में उसके मैंने कॉलर में स्काट कमांडर के फंसा करके बॉडी को खींचा। इतना ज्यादा फायर हमारे और मिलिटेंट मुश्किल से 10 मीटर ऊपर थे, हार्डली 10 मीटर ऊपर थे। फिर मैंने अपने वेपन उस समय M58 हम कैरी करते थे, और मैं अपनी पूरी सर्विस में M58 जैसा वेपन दूसरा वेपन महसूस नहीं करता। इतना कंफर्टेबल और इतना मतलब फाइट करने के लिए वो है, जितना कि अच्छा है। तो उस समय मैंने उसके बट से अपने स्कॉट कमांडर की बॉडी को खींचा, और खींचने के बाद फिर मेरे जब बॉडी पास में आ गई तो उनको फर्स्ट पीका का स्नाइपर का राउंड लगा था 7.62 mm का, जो कि आप देखिए कि अभी बोलते हैं ना कि बचाने वाले को मारने वाला बिल्कुल कोई पैदा नहीं हुआ है, जाको राकेश तो भाई, वही मार सके चीज ना कोई। सके ना कोई बिल्कुल। तो उनके लेफ्ट चेस्ट के अंदर लगी थी, तकरीबन यहां पर फर्स्ट राउंड लगा था और राइट शोल्डर के पास से निकला था एक ही राउंड, और बीपी भी पहन रखा था उन्होंने, और बीपी के साइड से राउंड लगा था और इस साइड से निकला था। मैंने उनकी बॉडी को ले लिया, लेने के बाद मैंने FFD हमारे पास थी, उनको बैंडेड वगैरह लगा करके अच्छी तरह से ब्लड को रोका, लेकिन ब्लड नहीं रुक रहा था। फिर मैंने अपना शर्ट निकाला, फाड़ा, उससे फिर उनको लपेटा, लेकिन फिर भी नहीं, उनका बनियान फाड़ा, रोका, तो बहुत मुश्किल से उनका ब्लड कुछ मिनट के लिए रुका था। और फिर हम धीरे 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 बैक होते गए। उस समय हमको मिलिटेंट नहीं दिख रहा था, हमारा स्क्वाड कमांडर दिख रहा था। उस समय वो हमारी जज्बा थी कि हमको गोली लग जाएगी, बट हमारे स्क्वाड कमांडर को कुछ नहीं होना चाहिए। तो फिर मैंने उनकी बॉडी को रिकवर करते रहे, रिकवर करते रहे। तो जैसे ही 15-20 मीटर नीचे आए, तो हमारे ट्रुप्स को जो पीछे टीम कमांडर साहब थे, तो मैंने उन्होंने पूछा कि क्या हुआ। मैंने उनका रेडियो सेट स्क्वाड कमांडर का लिया, बोला कि सर फलाने को गोली लग गई। तो जगदीश नाम था उनका, स्कॉट कमांडर का हौलदार जगदीश, ऑनरी कैप्टन रिटायर्ड गए वो। तो फिर मैंने बोला जगदीश सर को गोली लग गई। तो उस समय हम जो एडी साहब थे उनका नाम अली हुआ करता था, तो अली के नाम से हमने बोला चंद्रू, मेरे को चंद्रू बोलते थे, तो मैंने बोला चंद्रू फार अली, स्कॉट कमांडर को गोली लगी, जगदीश को गोली लग गई, बस इतना ही बोला। और साथ में एक वर्ड और बोला कि आप लोग पीछे से फायर मत करना। हम बीच में थे, पीछे हमारा ट्रूप्स, आगे मिलिटेंट, बीच में हम थे। तो हम उनकी बॉडी को कवर करते करते, रिकवर करते करते पीछे आए। इसके बाद डॉक्टर साहब थे या तो वो हुआ करते, तो उन्होंने IV वगैरह लगाई और उनको बैकवेट करके नीचे लग गए, नीचे लेके गए, वहां पर RR की पोस्ट थी। और देखिए मतलब आपने जो बोला कि जाको राके साइयां मार सके ना को, तो सही है। फिर मैं और एक पूरन, हवलदार पूरन करके होते थे, वो भी नंबर 2 स्क्वाड में थे, हम दोनों उनको कैस्पर के अंदर डाले और वहां से सीधे ले गए थे फील्ड एम्बुलेंस में। वहां से फील्ड एम्बुलेंस में ले गए, ले जाने के बाद डॉक्टर ने हमारे को बोला कि ब्लड चाहिए। हम 2-3 दिन हो गए थे, हम लोग भूखे प्यासे थे, कुछ खाना पीना नहीं था। हमने बोले ठीक है ले लो ब्लड। तो देखिए क्या है कि उनका भी ए पॉजिटिव और हम लोगों का भी ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, हमारा भी ए पॉजिटिव। हमने बोला सर ले लो जितना ब्लड चाहिए ले लो। फिर हमने जितना रिक्वायरमेंट था ब्लड का हमने दिया, पूरन सर ने दिया, हमने दोनों ने ब्लड दे दिया। डॉक्टर साहब हिल रहे थे, बोल रहे थे यार 2-3 दिन हो गए आप लोगों ने खाना नहीं खाया कुछ नहीं, और बोल रहे हो जितना चाहिए ब्लड ले लो। हमने बोला हाँ सर ले लो, हमारा बंदा बचना चाहिए, ब्लड जो भी चाहिए ले लो। तो हमने उन पूरन सर ने जो भी ब्लड का रिक्वायरमेंट था दे दिया, और वो स्कॉट कमांडर हमारे थे वो बच गए। तो दूसरी चीज सबसे बड़ी कि जब फायर फाइट हो रही थी तो हम लोगों ने भी UVGL किया हमारे, इसके बाद M58 के 2-3 मैगजीन खाली किए, तो उसमें 2-4 इंजर्ड हुए थे। लेकिन हम लोग अभी सर्च करना था, लास्ट लाइट हो चुका था, तो हम लोगों की फर्स्ट प्रायोरिटी थी अपने ट्रुप्स को निकालना वहां से। तो टोकर साहब उन्होंने उस समय वही प्रेजेंट थे वहां पे, तो उन्होंने डिसीजन लिया कि ठीक है हम ऑपरेशन को इंडक्ट करते हैं और कल सर्च करेंगे। जब नेक्स्ट डे सर्च किया तो हमारे को वहां पर ब्लड वगैरह, मिलिटेंटों के सिलेंडर, खाना बनाया हुआ वहां पर खाना, मतलब उन्होंने यहाँ तक कि जब फायर को हमने जब RL मारा तो उनका फायर बंद हुआ, और बंद होने के बाद उन्होंने नारा लगा करके करके वहां से वो विड्रॉल हुए थे। इतनी भारी मात्रा में थे, कम से कम 10-12 के स्ट्रेंथ में थे वो,
और टोटल हमारी टीम थी मतलब अच्छा दो अफसर थे और दो स्कॉट था, टोटल ए टीम की अच्छा स्ट्रेंथ थी हमारी सर्च की टोटल। तो ये हमारा था तकरीबन दूसरा तीसरा ऑपरेशन था जिसमें कंडक्ट हुआ था। तो मेरा यही मतलब मेन है कि अगर आपके साथ ट्रूप्स, फाइटिंग ट्रूप्स है और एक्सपीरियंस होल्डर आपके एनसीओ जेएसओ अफसर हैं, तो आपके अंदर ऑटोमेटिक जज्बात, ऑटोमेटिक लड़ने की भावना, ऑटोमेटिक आपका विल पावर, सब कुछ ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। मतलब उस समय सब कुछ भी नहीं दिखता है कि मैं मरूंगा क्या होऊंगा शहीदूंगा, कुछ नहीं। यही होता है कि नहीं, हमने लड़ना है और अपने यूनिट के लिए, अपने टीम के लिए, ट्रुप्स के लिए हमने लड़ना है, यही वहां पर भावना पैदा होती है। सर, अभी जितना खुश हूं ना मैं, इतना खुश जब मेरे एकेडमी का कोई बच्चा रिकमेंड होता है तभी होता है, अलग लेवल पे खुशी है। तो अब मुझे ये बताइए कि इसी इंसिडेंट के बाद आपको बलिदान बैज मिला था या वो किस इंसिडेंट के बाद मिला था, और कैसी खुशी थी उसे पाने के बाद? हम वहां से जैसे ऑपरेशन करके आए तो हमको मतलब खुशी भी थी और हम कुछ नर्वस भी थे। खुशी तो इस बात की थी कि हमारा, हमारे बीच का एक सैनिक इंजर्ड हुआ था और वो बच गया, मतलब इस बात की हमको खुशी थी। और दुख हुआ कि वहां पर बहुत बड़ा ग्रुप था और हम लोगों ने उस ऑपरेशन को जो कंडक्ट किया उस स्तर से नहीं किया कि पूरा का पूरा मिलिटेंट हमारे कब्जे में आ जाए, वो सेफली निकल चुके थे। वही मतलब सेम ट्रूप्स तकरीबन 15-20 दिन के बाद फोर पैरा ने कंडक्ट किया था और उनको, उनके कैप्टन साहब भी एक इंजर्ड हुए थे उसमें, उनका आईडी से पैर उड़ गया था उसी कैंप में, सेम जगह, मतलब सेम जगह जिस जगह पर हमने ऑपरेशन को किया था, सेम जगह जब वो ट्रूप सर्च के लिए गया था उसी जगह, तो आईडी उन्होंने वहां पर लगा रखा था और उनका पैर उड़ गया था। तो हमको दुख तो ये हुआ था कि हम जो ऑपरेशन को हमने कंडक्ट किया था उस बड़े प्लानिंग से, बड़े लेवल पर नहीं किया था। जो सोर्स था उसको हमने बहुत ही इजिली मतलब लिया था कि ठीक है यार चलते हैं और हम उसी में एरिया में घूम रहे हैं और करके आ जाएंगे ऑपरेशन, नो प्रॉब्लम। लेकिन एक्चुअली अगर ऑपरेशन हमारा सक्सेस होता तो बहुत कुछ मिलता और बहुत अच्छा ऑपरेशन होता वो। लेकिन हम फिर भी उस ऑपरेशन को मतलब ये नहीं बोले कि बोलेंगे कि वो गया, बट हमारा जवान जो था, हमारा सैनिक था हमारे बीच का, वो सेफ बच गया और उसी ऑपरेशन, उसी कैंप को फोर पैरा ने मतलब फिनिश किया, तबाह किया। तो आप उसमें और वन जो पैरा थे? बलिदान, हाँ वन पैरा से थे और वहीं पर डिप्लॉयड थी फोर पैरा। तो हम लोग उस समय साउथ वैली में थे, शोपियां और चौगांव वाले लोकेशन में थे। तो उस समय 10 सेक्टर के अंदर प्रधान साहब होते थे, मेजर जनरल, तो कमांडर थे। तो उन्होंने उस ऑपरेशन को हमारे को दिया था कि आप लोग ऑपरेशन करो। तो कमांडो के लिए आपसे जो बताऊं कि कोई जगह फिक्स नहीं होता है, चंद्रमा पर भी जाता है, समुद्र में भी जाता है, हर जगह मतलब वो फ्री है और हर जगह जाने की काबिलियत रखता है। क्या बात है सर। यस सर, बलिदान बैच वो कैसे मिला और क्या फीलिंग थी? बलिदान बैच आपसे बताऊं अभिषेक, कि जैसे ही कमांडो के अंदर हम पैरा सेंटर में ट्रेनिंग कर रहे थे, तो हमारे उस्ताद दो चार थे, तो हम उनके जो डेकोरेशन थे हम देखते थे, तो ऑटोमेटिक हमारे दिमाग में आता था कि यार इन्होंने इतना कुछ लगाया है, कैसे हासिल किया है। तो हम पूछते थे कि सर ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, तो बताते थे कि बच्चों इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, इसके लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है। तो हम बोलते थे यार अगर ये ले सकते हैं, ये लगा सकते हैं, तो हम क्यों ना कर सकते हैं। तो क्या उसमें बात है। सिलेक्शन होते थे मतलब कमांडो के लिए, पैरा इन्फेंट्री के लिए अलग अलग सिलेक्शन होते थे। तो हमारे एसएमपी दिमाग में वहां पर, यस वहां पर हमारे दिमाग में ये फील आता था कि नहीं अगर ये हमारे उस्ताद लगा सकते हैं डाइविंग, बलिदान, तरह तरह के मिलान पैरा के, ट्रूपर, मतलब तरह तरह के वो पैराट ऊपर, तो हम क्यों ना कर सकते हैं आप सबको। तो वो हमारे जुनून में सवार होता था। तो मैं आपको बताऊं कि वो हमारे दिमाग में एकदम बिल्कुल फिट हो गया और हमने वहां पर दृढ़ प्रतिज्ञा किया कि नहीं सब कुछ मैं भी लगाऊंगा, जो कुछ इन्होंने हासिल किया है मैं हासिल करूंगा। तो मैं आपको बताऊं कि इंसान के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है, बट
उसने एक दृढ़ संकल्प करना चाहिए कि नहीं, हमने ये चीज लेना है, हासिल करना है। अगर ये चीज है तो कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। तो मैंने वहीं पर कसम खाया कि नहीं, मैं अभी एसएफ में जाना है मैंने, और ये सब कुछ हासिल करना है जो उस्तादों के पास है। तो वहीं कितने पर साल के मेरा थे आप? सिलेक्शन उस समय 16 साल 2 महीना के थे, मैं जब ट्रेनिंग कर रहा था बेंगलोर में। उस समय जब मेरा सिलेक्शन हुआ था तो 16 साल 2 महीना था, मतलब यहाँ तक कि दाढ़ी बाल और रोए भी नहीं थे। हमारे उस्ताद बोलते थे अभी यार तुम बच्चे हो, खाने के दिन थे, कहाँ से आ गए। तो वही आपको मैं बताऊं कि विल पावर जो है, उस समय विल पावर हमारे अंदर मतलब पैदा होता था, जागता था। तो मैं आपको बताऊं अभिषेक कि अगर विल पावर स्ट्रांग है तो कुछ भी हम कर सकते हैं, इंसान कुछ भी कर सकता है। माइंड तो का, वहीं से हम मेरा माइंड का। सिलेक्शन, यस बिल्कुल बिल्कुल, तो वहीं से हमारा सिलेक्शन फर्स्ट पैरा के लिए हुआ और मैं फर्स्ट पैरा में आया 92 अक्टूबर में, फर्स्ट पैरा के अंदर। पूरा पूरा तो याद वहां है पर आपको एक-एक चीज हाँ याद हाँ बिल्कुल, एक एक चीज ऐसा है कि मतलब ग्राउंड में जो चीजें इंसान करता है उसको भूलता नहीं है, ना लिखने की जरूरत होती है ना याद करने की जरूरत होती है, सब कुछ याद रहता है। मैं आपको एग्जैक्टली बताऊं कि अगर अब मैं अपनी जीवनी बताऊं तो कम से कम 4 घंटा तक कंटिन्यू बोलता रहूंगा। तो मैं जैसे फर्स्ट पहला 92 अक्टूबर में आया, इसके बाद हमारा प्रोविजन 3 महीने का प्रोविजन चलता है। तो हमारे उस्ताद जो थे, मतलब हमारे को आते ही तो नाहम, जैसे आप जाएंगे तो 3 माइल एक जगह पड़ता है 3 किलोमीटर, वहीं पर हमारे को बाक्स वगैरह सब डाउन करवा करके सिर पर रखा और ले करके मूव करा दिया यूनिट लोकेशन के लिए। तो हम लोग बोले क्या यार, ये क्या बकवास है। वहां पर जब हम पहुंचे, रखवाया सब कुछ, किट वगैरह सब कुछ, बॉक्स रखवाने के बाद बोले ठीक है ओके, ग्राउंड में चलो और अपना बीपीटी का पिट्ठू और राइफल मिल जाएगा आपको खुद से, और लेके स्टार्टिंग पॉइंट पा जाओ। हम बोले क्या बकवास यार, 2 दिन सफर करके आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि अपना पिट्ठू तैयार करो और चलो स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर। तो लेकिन हम लोगों के अंदर वो जुनून था कि नहीं, फर्स्ट पैरा में सिलेक्शन सेलेक्ट सही होना है, है और हम सिलेक्शन के लिए आए हैं तो हम आरटीयू नहीं जाएंगे, हमने कसम खा रखी थी इस चीज की। तो वहीं से मैं आपको बता रहा हूँ कि फर्स्ट दिन ही ऐसा मतलब रगड़ा पेट शुरू हुआ कि मतलब आदमी उठ नहीं सकता है, और भगौड़ा भी मतलब बोलते हैं ना कि 10% लोग सिलेक्ट होते हैं तो नौबत मतलब आ जाती है। तो इसके पहले बाद 3 महीने, हाँ पहले दिन फर्स्ट दिन, तो फर्स्ट दिन ही मतलब 50% लोग हैंड अप हो जाते हैं, यह हालत होती है। तो इसके बाद फिर चलता रहा सब कुछ। तो इसके बाद 90 डेज जैसे ही पूरा होता है तो फिर बोलते हैं कि ओके अभी कुछ तुम्हारे अंदर अभी जान आई है। तो एक्चुअली पूर्ण जो कमांडो हैं 90 डेज में भी नहीं होते हैं, जब तक मतलब आप फील्ड में नहीं जाते हैं, आप फायर के अंदर दबते नहीं हैं, फायर से कंटेक्ट नहीं होता है, तब तक पूर्ण कमांडो नहीं होता है। जब 2-4 लाइफ ऑपरेशन मिलते हैं इसके बाद जा करके कमांडो होते हैं। और बैज जो आप बोल रहे हैं बैज, तो बैज जब लगता है तो उस समय छाती बोलते हैं ना 56 इंच, तो वो 56 इंच की तरह हो जाती है एक्चुअली। ये मेरून कैप और जो बलिदान है, ये मतलब बोलूं जैसा आपको कि लाखों में मतलब 2 को नसीब होता है या 1 को नसीब होता है, वो कंडीशन है। तो बहुत हार्ड लाइफ है बट इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सर। अब मुझे ये बताइए आप कि आप कहाँ से हैं, कब आपके मन में आया कि आर्मी ज्वाइन करनी है, और कौन सी रैली थी, क्या था प्रोसेस, किस तरीके से ना आपने आर्मी ज्वाइन की, और फिर किस तरीके से पैरा एसएफ ज्वाइन किया, प्लीज सर। मैं मोस्टली यूपी गाजीपुर से बिलोंग करता हूँ। तो वहां पर हम मतलब पढ़ने में मैं बहुत ही तेज था, मतलब और मेरा पढ़ाई के तरफ काफी वो था कि मैं पढ़ूंगा। तो मैं 10th था, 10th किया, इसके बाद 91 में मैं +1 एग्रीकल्चर में, पहले मैं साइंस लिया था फिर एग्रीकल्चर, साइंस छोड़ करके एग्रीकल्चर ले लिया। एग्रीकल्चर 11th क्लियर करने के बाद 12th में एडमिशन लिया, और मैं अचानक भर्ती आई बनारस बीआरओ के अंदर भर्ती आई, और मैं सोचा कि यार चलो दोस्तों के साथ चल
मिलता हूँ और भर्ती देखता हूँ। उस समय मेरा अंडर में एज था, 16 साल अभी कंप्लीट नहीं हुआ था। तो मैं जैसे ही बनारस आया बीआरओ में, तो वहां पर जो डॉक्टर साहब थे, हमारे फादर भी यक सर्विस मैन थे, मतलब बंगाल इंजीनियर से बिलोंग करते थे, तो उनके यूनिट से डॉक्टर साहब थे। तो उनका नाम था सेन, सेन करके थे कुछ ऐसे नाम था सैन। तो बोले कि बेटा आपको भर्ती होना है। तो बहुत ही बच्चे हम एकदम बिल्कुल बच्चे हम थे उसमें, 16 साल। आप वो सोच सकते हैं कि 16 साल की एज क्या होती है और कैसा होता है। तो उस समय बोले कि हाँ, मैंने बोला कि साहब भर्ती होना है, तो बोले कि ठीक है। तो उस समय रनिंग वगैरह, तो हमारे अंदर एक जुनून था, कोई भी काम मैं सोचता था कि करना है तो एक जुनून पैदा हो जाता था। तो मैं बोला कि नहीं, भर्ती तो देखने जा रहा हूं, तो मैंने भर्ती निकालनी भी है। तो वहां पे 100 100 लोगों को एक साथ छोड़ते थे, दौड़ाते दौड़ाई थे। तो पहले मैं देखा कि मैं बोला इतने लोगों के बीच में तो हम दब जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा कि मैं गया कहाँ। तो आपसे बताऊं कि लेकिन जो जुनून वाली बात थी, तो मैं शुरू से ही मतलब जिस काम को ठान लेता था वो जिद्दी, मतलब जिद्दी स्वभाव का था मैं, तो उसको करने की सोचता था कि नहीं, करके ही मैं हटूंगा। क्या बात। तो मैं रनिंग ऐसे करता था और चला गया। जब बनास बिहार में गया, जब गो हुआ, तो मैं पांचवें छठे स्थान पर मतलब आ गया। तो मैं बोला कि अच्छा, मेरा तो काफी मतलब मेरे अंदर वो है, दम है। तो उस समय 1600 मीटर की रनिंग होती थी। अभी भी होता तो हाँ नहीं, अभी तो पैरा वगैरह सेंटर में तो 5 किलोमीटर की हाँ, रनिंग वो स्टार्ट नहीं, कर दी। जो आर्मी के जो जवान लोगों का होता है वो 1600 मीटर ही होता है। हाँ, 1600 1600 की होती है। तो फिर वहां से रनिंग वगैरह हो गया, फिर रिटर्न। तो रिटर्न में जैसे 1 2 महीने के बाद रिटर्न के लिए गया, तो नॉर्मल सब कुछ नॉर्मल। तो मैं बोला यार ये तो कुछ है नहीं, मैंने रिटर्न भी दे के आ गया। तो रिटर्न हो गया, सब कुछ हो गया। फिर रिजल्ट आया, तो रिजल्ट में पास, मतलब दूसरे लिस्ट में दूसरे तीसरे नंबर पर था। तो फिर मैं अभी फादर को बोला मैंने नहीं जाना मतलब भर्ती के लिए, भर्ती तो हो गया बट जाना नहीं, मैंने ज्वाइनिंग नहीं करना। बोला क्यों? तो बोला नहीं, मैंने पढ़ाई करना है। बोले कि अरे अगर हो गया तो जा भाई। मैं बोला नहीं, मैंने तो पढ़ाई करना है। तो मैं ये मेरा मतलब शुरू से वो था कि मैं MSc AG करके PhD करूंगा और रिसर्च करूंगा। मेरे दिमाग में ये चलता था उसी एज में कि मैं MSc AG करूंगा, फिर PhD करूंगा, इसके बाद जो करना होगा करूंगा। तो मैंने फादर को बोला नहीं, मैंने नहीं जाना। तो बोले भाई नहीं, चला जा, अभी क्या है, नौकरी मिल गई, चला जा। तो फिर ऐसे 2 3 दिन तक चलता रहा। फिर पास पड़ोस वाले बोले कि भाई आगे की मतलब जो रोटी है, मतलब बोलते हैं ना कि हाथ की रोटी क्यों फेंक रहा है। क्यों फेंक रहा है? तो हाँ, तो मैं बोला ठीक है, जब सभी बोल रहे हैं तो चला जाता हूँ। तो वहीं पर मेरी पढ़ाई जो है ब्लॉक हो गई और मैं चल दिया। तो उस समय 16 साल मेरे 4 महीना हो चुके थे, मतलब जब मेरे को वो आया ज्वाइनिंग लेटर। तो मैं फिर वहां से बेंगलोर सेंटर आया, बेंगलोर सेंटर में ट्रेनिंग वगैरह चली। तो एक इंसिडेंट हुआ मेरे साथ, आपको मैं शेयर करना चाहूंगा कि प्लीज मेरे को प्लीज। टीएबी इंजेक्शन लगा। उस समय टीएबी वगैरह के इंजेक्शन लगते थे। तो अच्छा इंजेक्शन लगता लगा तो उसमें फीवर, जैसे टीएबी का इंजेक्शन लगता है तो फीवर आ जाता है, बुखार आ जाता है। तो मेरे को बुखार आ गया और बहुत पेन होने लगा। तो मैं बोला ये क्या बीमारी हो गई, साली इंजेक्शन लगाया और मेरे को वो हो गया। तो मैंने अपना सूटकेस उठाया और रात को चल दिया सेंटर से कि अभी मैं चलता हूँ, अभी मैंने नौकरी वगैरह नहीं करना है। तो बेंगलोर कैंट के ऊपर पहुंच गया मैं अपना सूटकेस लेकर के। वहां पर पहुंचा तब तक पीछे से उस्ताद आ गए, बोले भाई कहाँ जा रहा है। मैं बोला मैंने नौकरी नहीं करनी, मेरे को बुखार है, दर्द हो रहा है। तो बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं करना। तो फिर वो पकड़ के वापस लाए। वापस लाने के बाद फिर इसके बाद 2 3 दिन नहलाया धुलाया, मतलब काफी मतलब उन्होंने मेरे को रिलैक्स छोड़ दिया बिल्कुल। तो रिलैक्स छोड़ दिया तो फिर धीरे धीरे मेरे दिमाग में आने लगा कि नहीं यार, साथ वाले कर रहे हैं मेरे को, क्या है ये वो, ये तो ठीक है। जैसे जैसे फीवर डाउन हुआ और दर्द कम हुआ, तो मैं बोला नहीं अभी मैं भी मतलब चलता हूँ, क्या है। तो धीरे 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 मतलब वो दिमाग में आ गया और मैंने वो अपने ट्रेनिंग पीरियड को पास किया, कंप्लीट किया। ट्रेनिंग हाँ कंप्लीट कर लिया। कंप्लीट के बाद फिर मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि नहीं अभी पैरा में तो आ गया, मेरी मेरिट हाइट
काफी हाई लेवल की थी, इसलिए मतलब 150-200 लोग भर्ती हुए थे, तो सिर्फ मैं और एक दोस्त था मेरा, दो ही लोग पैरा सेंटर के लिए सेलेक्ट हुए, पैरा के लिए सेलेक्ट, सिर्फ दो लोग। तो इसके बाद ट्रेनिंग पीरियड खत्म होने के बाद फिर वही बात आ रही थी कि एसएफ बटालियन के अंदर, तो फिर मैंने एसएफ के लिए वॉलंटियर किया, फिर एसएफ मेरे को मिल गई। तो सर ये जो प्रोबेशन पीरियड था आपका, उस टाइम भी 3 महीने का ही होता था। हाँ, 90 डेज 3 महीने का होता था। कितना टफ था प्रोबेशन पीरियड, कि जब माइंड में था कि यार रिसर्च करना है, वहां से उठ के आगे की रगड़ा खा रहे हैं, दोनों कंप्लीटली अपोजिट है, वो पढ़ाई लिखाई वाली चीज है, यहाँ पे अलग चीज है। कितना टफ था आपके लिए प्रोबेशन को कंप्लीट करना? देखिए अभिषेक, क्या है कि प्रोविजन टफ था, बट उस समय जुनून जो होता है ना, कि अगर इंसान के अंदर जुनून पैदा हो गया कि नहीं मैंने ये चीज करना है, तो कितना भी टफ हो लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, वो पॉसिबल है। और हम हमारे साथ वही होता था, दिन को रगड़ा दबा करके फिर स्कॉट पोस्ट पर क्लास चलती थी स्किल की, हम लोग बैठे बैठे सोते रहते थे, लेकिन नहीं, ये था कि वापस नहीं जाना है, अनुलिंग का अनुलिंग फॉर्म नहीं भरना है, बोलते थे विलिंग है अनुलिंग है, हम बोलते नहीं विलिंग है, फिर रगड़ा लगाना दबा करके, फिर बोलते थे विलिंग है अनुलिंग है, नहीं विलिंग है। तो मतलब एक शब्द दिमाग के अंदर जो माइंड सेटअप बोलते हैं ना, फिट हो रखा था कि नहीं विलिंग है, और हमने वन पैरा के अंदर फिट होना है, हमने पैरा के अंदर फिट होना है, हमने कमांडो बनना है। तो ये चीजें थी, रात को मतलब 12 बजे तक, 1 बजे तक पीटी, कभी कभी मतलब रात को बीपीटी। तो क्या होता था कि आंखें तो हमारी बंद हो रही हैं, लेकिन सोते सोते हम चलते थे, दिमाग खुला होता था, डायमुलेशन क्लास, तो उसमें प्रैक्टिकल, तो ये, तो मतलब 100 चीजें थी, लेकिन वही चीज है कि दिमाग के अंदर है कि नहीं मैंने विलिंग है और वन पैरा के अंदर फिट होना है, हमने कमांडो बनना है, ये चीजें होती थी। और अगर ये चीज इंसान के अंदर है तो कुछ भी मतलब इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है और सब कुछ हासिल कर सकता है इंसान, बट उसने कसम खाना पड़ेगा अपने आप को, अपने दिमाग को, अपने विल पावर को मजबूत करना पड़ेगा। और इंसान का सबसे बड़ा जिस्मानी ताकत जो होती है दिमाग होता है, अगर दिमाग से मजबूत है तो इंसान टूटेगा नहीं, शरीर से टूट जाएगा लेकिन दिमाग से नहीं टूटेगा, और दिमाग से नहीं टूटेगा तो सब कुछ हासिल कर सकता है, सब कुछ उसके लिए संभव है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। जब आपके पीछे मैं कुछ देख रहा हूँ जो एकदम रखे हुए, एनएसजी का है, पैरा स्पेशल फोर्सेस का बैजेज हैं, मैरून बैरेट है, ऐसा कुछ था जो छूट गया कि यार ये रह गया, ये भी करना था, ऐसा कुछ बचा या सब कुछ हासिल कर लिया आपने? नहीं देखिए अभिषेक, क्या है, इंसान भगवान नहीं है, इंसान इंसान है और कुछ न कुछ रह जाता है। तो कई बार मेरे दिमाग में आता था कि यार मैं डाइवर, अंडर वाटर डाइवर भी हूं और फ्री फॉल भी करूंगा, तो लेकिन उस समय हमारे टाइम में क्या होता था कि स्पेशल कोर्स होते थे डाइवर माउंटेनियरिंग का और फ्री फॉल का, तो उसमें एक ही स्पेशलाइज मतलब आपको कोर्स मिलता था, तो मेरे को डाइविंग तो मिल गया बट फ्री फॉल मैं चाह रहा था कि मैं फ्री फॉल करूं, फ्री फॉलर बनूं, लेकिन मेरे को नहीं मिला। फिर मैं बीच में एक दो बार एनएसजी में था, 51 एसएजी के अंदर, तो एडवांचर के लिए मैं वॉलेंटियर हुआ कि एडवांचर कर लेता हूं, लेकिन वही है कि मतलब बोलते हैं ना बैड लक, तो कई एक दो बार ऑपरेशन में मेरे को जाना पड़ गया और बीच में कोर्स को छोड़ करके मैं ऑपरेशन में चला गया। तो मतलब कुछ चीजें रह जाती है जो कि आदमी हासिल नहीं कर पाता है। ये 51 SAG की बात कर रहे हैं, जो लोग नहीं जानते मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि ये स्पेशल रिस्पांस यूनिट होती है एनएसजी की। एनएसजी को जब एकदम तुरंत रिस्पांस भेजना होता है तो वो लोग एसएजी 51 के लोगों को भेजते हैं, और इसका गठन 1985 में हुआ था कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के तहत अंडर द एक्ट ऑफ एनएसजी। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि 51 SAG का ये इतिहास रहा है। अब आता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे सर, कि आपके, हमने वर्दी पे देखा है जंप इंडिकेटर बैज भी है, जिसमें हम कंफ्यूज हैं कि उसमें 2 स्टार लगे हुए हैं, 3 स्टार लगे हुए हैं, क्योंकि 2 स्टार का मतलब शायद 50 जंप होता है और 3 स्टार का मिनिमम 100 जंप होता है। तो प्लीज कंफर्म कर सकते हैं यस, उसमें कितने कितने स्टार लगे हुए हैं? तीन है अभिषेक, 3 है। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ सर, कि पैरा एसएफ की बातें कर रहे हैं हम लोग, बलिदान बैच की बातें की,
जिस दिन मैरून बैरे मिलता है, जिस दिन लगता है, उस दिन की खुशी। अभी पिछले सेशन में मेजर सुशांत सर आए थे, उन्होंने एक बहुत तगड़ी कहानी सुनाई कि उन्हें कैसे मिला था मैरून बैरे। हम अभिषेक नॉर्थ वैली में थे और जैसे ही ऑपरेशन हम फिनिश करके आए तो हमारे टीम कमांडर हेडी साहब थे, तो उन्होंने बोला कि ओके अभी बलिदान परेड किया जाएगा। तो हम लोगों के अचानक मतलब वो हुआ कि आज बलिदान परेड होगा। हम मतलब बिल्कुल वो हो गए थे, एक्साइट हो गए कि ओके आज तो बलिदान हो जाएगा, बलिदान मिल जाएगा। तो हम आए, फटाफट तैयार हुए। फिर क्या किया, जो हमारे इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने एक वो था, मतलब आपको जैसा कि बताऊं कि जिस बैरिक में हम रहते थे उसी के पीछे एक गटर टाइप था, उसी में ले जा करके डाल दिया। हम बोले कि अभी बोल रहे थे बलिदान परेड, अभी अभी कौन सा परेड हो रहा है? तो हम बोले कि ये तो बड़ा गदर हो रहा है। बोले कि बलिदान परेड होगा और अभी कौन सा परेड करा दिया। तो उस समय हम तकरीबन चेस्ट लेवल तक गटर के अंदर चले गए और पूरा मतलब बुरी कंडीशन हो गया। फिर ले गए एमटी के अंदर, टैंक था, उस टैंक में डाला उन्होंने। टैंक से निकले बाहर, फिर इसके बाद आए देखे तो ट्रे के अंदर बलिदान रखे हुए, और जो हमारे सीओ साहब थे उस समय तैयार मतलब थे बलिदान परेड के लिए। तो उस समय जब बलिदान हो जाता है तो एक्चुअली उस समय मतलब महसूस होता है कि हमको कुछ मिला है और आज मेरे को कुछ हासिल हो गया, मतलब जो जिसके लिए मैंने आज तक इतना कुछ किया। क्या बात है, क्या बात है सर। सर आपके ऑपरेशन जोन कहाँ कहाँ रहे हैं? कश्मीर में ही बस वैली में ही रहा है या नॉर्थ ईस्ट भी रहा है? नहीं, नॉर्थ ईस्ट में पहले हम क्या होते थे, 93, 95, 6, 7 तक नॉर्थ ईस्ट में भी ऑपरेट करते थे। तो जोन बटा हुआ है, सब जो है इनके जोन थे कि मतलब किस कमांड में कौन सी यूनिट ऑपरेट करेगी। तो मैं आपको पता ही होगा, मैं नहीं बोलना चाह रहा हूँ उस बारे में। तो हम नॉर्थ में भी काफी ऑपरेट किए नॉर्थ ईस्ट के अंदर, फिर इसके बाद बैली में किए, तो बैली में भी पूरा बैली तकरीबन ऑपरेट किए नॉर्थ से साउथ तक, और नागालैंड वगैरह भी ऑपरेट किया। तो इस तरह से मतलब तकरीबन कुछ छूटा नहीं है मेरे, ऑल इंडिया मतलब जो भी एरिया है कोई छूटा नहीं है हमारे से, कोई भी ऑपरेशन। तो सबसे ज्यादा टाइम हो फील्ड सर, सबसे ज्यादा कांटेक्ट कहाँ मिले, वैली में मिले या नॉर्थ ईस्ट? हमारे को सबसे ज्यादा, नहीं नहीं सबसे ज्यादा वैली में मिले। वैसे हमारे पास तो यूनिट के पास, हम लोगों के पास 4 साइटेशन है जिसके अंदर नॉर्थ ईस्ट के भी हैं और वैली के भी हैं, तो हमारे तकरीबन इक्वल रहे हैं। और आपसे मैं बताऊं कि पहले कोई ध्यान भी नहीं देता था साइटेशन के ऊपर, तकरीबन 2000 के बाद लोगों का उधर फोकस गया है कि नहीं साइटेशन भी चाहिए, और उस तरह से कार्रवाई शुरू हुई। नहीं तो पहले हम लोग काम करते थे उस उधर ध्यान नहीं देते थे कि हमारे को साइटेशन मिल रहा है नहीं मिल रहा है, क्या हो रहा है, हमारा काम के ऊपर फोकस होता था। 2000 के बाद फिर लोगों ने उधर फोकस किया कि नहीं काम कर रहे हैं तो उसका वो भी चाहिए मतलब। सर हम हर एक चीज पे बातें करेंगे, तो अभी मैं आता हूँ कि आप इंस्ट्रक्टर भी रह चुके हैं एसएफटीएस के, उस बीच में आपकी मुलाकात मेजर मोहित शर्मा सर से भी हुई थी, आप शायद उनके भी इंस्ट्रक्टर रहे थे, तो वो कैसी मुलाकात थी और किस तरीके के हमारे चिंटू भैया थे मेजर मोहित शर्मा? अभिषेक जो मोहित शर्मा साहब थे हमारे यूनिट के अंदर, 2 टर्नओवर उन्होंने 2 बार आए थे। पहली बार आए थे तो उनको ऐसे इंजर्ड हो गए थे अचानक, कुछ इंजरी के कारण से प्रोविजन पूरा नहीं कर पाए थे और चले गए थे। जब दोबारा आए थे तो मैं उनका इंस्ट्रक्टर था, तो एक मोमगिन साहब थे और मोहित साहब, दोनों मतलब भाई भाई की तरह लगते थे, ऐसे उनका बॉडी स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ मतलब था। तो उस समय मैं नायक था शायद, हाँ नायक होता था, तो उस समय मैं इंस्ट्रक्टर था। तो मतलब उस समय मैंने उनको इतना मोटिवेशन मतलब वो किया, मोटिवेट किया कि हमने बोला कि साहब आप पहले तो एक दिमाग के अंदर फिट कर लो कि नहीं मैंने वन पैरा में रहना है, और आपने कर लिया है तभी आपने दोबारा फिर
वन पैरा के लिए वॉलेंटियर हुए हैं। बोला हाँ उस्ताद मैंने वन पैरा में रहना है। मैं बोला रहना है तो आज कसम खाओ कि कुछ भी हो जाए, इंजरी हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने वन पैरा से वापस नहीं जाना है। तो उन्होंने कसम खाया। ऐसे हम दौड़ते हुए चल रहे थे तो एक टैंक होता था हमारा ट्रेनिंग एरिया, वहां पर वो रुक गए। बोले उस्ताद रुको। मैं बोला क्यों, क्या प्रॉब्लम है? मैं बोला ठीक है आप पैर ऊपर करो, इसके बाद रुक जाता हूँ। मैंने वहीं पर पैर ऊपर करवा दिया और रुक गए। तो बोले अभी बोलो साहब अभी क्या प्रॉब्लम है। तब उन्होंने बोला कि साहब मैं कसम खा रहा हूँ उस्ताद कि मैंने वन पैरा में रहना है। तो मोहित शर्मा साहब का मतलब इतना वो था, उनके अंदर जज्बाती वो थे कि किसी भी चीज के लिए कि वो ठान लेते थे तो वो सुनते नहीं थे किसी की, वो चीज हासिल करके रहते थे, इतना मतलब उनके अंदर वो था। तो दो तीन बार बीच बीच में वो काफी डिमोरलाइज हो रहे थे, तो मैं उनको धीरे धीरे वो कर रहा था कि साहब नहीं ये कुछ नहीं है, चलो चलिए। उनके अंदर एक्चुअली जो पैर था उनका मतलब बोर्न हड्डी जो थी, स्ट्रेच फ्रैक्चर होता था उनको, जो मतलब काफी बार हो जाता था उनको, मतलब 90 डेज के अंदर 3 महीने के बीच में करीब करीब 4-5 बार स्ट्रेच फ्रैक्चर हुआ। तो स्ट्रेच फ्रैक्चर के अंदर आराम चाहिए, कोई मेडिसिन काम नहीं करती थी, कुछ नहीं करता था। तो मैं उनको यही बोलता था कि साहब गर्म पानी लो, कुक के पास जाओ, उसको पटा के रखो, गर्म पानी लो, सिकाई करो। वो मतलब इतना वो होते थे कि उसके अंदर क्या बॉकेट, प्लास्टिक की बॉकेट के अंदर गर्म पानी लेकर के चुपचाप आके स्कॉट पोस्ट पर बैठ जाते थे और मेरे नजर से मिला के रखते थे कि उस्ताद देख तो नहीं रहा है। मैं देखता था, मैं पकड़ लेता था कि साहब क्या कर रहे हैं, लेकिन मैं उसको नजरअंदाज करता था क्योंकि मैं ही उनको टिप्स देता था कि साहब ये कार्रवाई करो। तो फिर मैं वो मतलब फील करते थे कि उस्ताद को पता है लेकिन बोल नहीं रहे हैं। तो कहने का मतलब कि मोहित साहब इतने मतलब वो थे कि एक तरह से हम जिद्दी स्वभाव बोले हैं या उनका वो स्वभाव ही था कि जिस काम के लिए वो बोलते थे कि नहीं ये काम करना है या ये काम करूंगा तो उसको सुनते नहीं थे किसी की, मतलब इतने स्ट्रांग वो थे। क्या बात सर। मैवरिक स्पेशल ग्रुप जिसे फोर विकास भी कहा जाता है, क्वेश्चन से पहले सबको बता देना चाहता हूं कि जो फोर विकास जो सर की बायो में लिखा हुआ है उसे स्पेशल ग्रुप के अंदर ही है, वो उसी को कहा जाता है और वो रॉ का एक पार्ट रह चुका है जिसको 1981 में गठित किया गया था अंडर द प्रोजेक्ट सनरे। सनरे प्रोजेक्ट के अंदर उसे रखा गया था और उसके अंदर पूरे देश के जितने भी इलाइट सोल्जर्स होते थे, सबसे दमदार सोल्जर्स होते थे, उनको ही ऐड किया जाता है। ऑपरेशन ब्लू स्टार हो या अफगानिस्तान का कंधार वाला इंसिडेंट हो, इन सारे सारे ऑपरेशन में फोर विकास के ट्रूप्स ही गए थे। तो सर कब मन में आया कि फोर विकास ज्वाइन करना है और कैसा रहा एक्सपीरियंस है? अभिषेक क्या है कि जैसे कंधार वाला आपने अभी चर्चा की, कंधार तो कंधार का जब इंसिडेंट हुआ था तो मैं उसमें 51 NSG के अंदर था, अक्टूबर में हुआ था। क्या बात तो उस समय हम स्टैंड बाई हो गए थे कि नहीं अभी ऑपरेशन करना है और ऐसे ऐसे मतलब प्लेन हाईजैक हो चुकी है। तो उसमें दो पार्ट होते हैं, आपको जैसा कि पता होगा कि एक हाईजैकिंग टीम होती है 52 और एक राइट 51। तो हम एंटी टेररिस्ट के अगेंस्ट काम करते थे और वो हाईजैकिंग हुआ था तो उसके लिए 52 ऑलरेडी स्टैंड बाई हो चुकी थी और मूव कर चुकी थी और हम स्टैंड बाई होकर के एयरपोर्ट के ऊपर बैठे हुए थे। तो उसमें मतलब बोलते हैं ना कि जब कुछ भी इंसिडेंट होता है और करने के लिए मिलता है तो एक तरह से जज्बा, इंसान जज्बाती हो जाता है कि नहीं मैंने अभी करना है कुछ और हमको कुछ मिल रहा है करने के लिए। और एक दूसरा होता है कि नहीं यार साला बला टल जा और क्या ऐसे करना ये वो। तो मतलब दोनों चीजों चलता है। तो जो स्पेशल ट्रूप्स है, स्पेशल ग्रुप है, इसे SG हो चाहे NSG हो या स्पेशल फोर्स हो, एनीवे आपको पता ही है कि बहुत सारे स्पेशल ग्रुप हैं जो कि अपने कंट्री के अंदर काम करते हैं। राइट तो राइट उनके अंदर जो ट्रूप्स होता है उनके अंदर किसी काम को करने की जज्बा होती है, मतलब उसके अंदर जो जज्बाती मतलब बोलते हैं तो जज्बा कूट कूट के भरा होता है कि नहीं यार मैंने ये टास्क करना है, ये काम मैंने करना है। तो जब इंसान उस टास्क को करने के लिए अपने दिमाग और शरीर को उस के लिए ढाल लेता है, उस माहौल के लिए, उस काम के लिए, तो कुछ भी मतलब इम्पॉसिबल असंभव चीज नहीं है और वो काम वो करता है। तो वही जो इंसिडेंट हुआ था उसके लिए हम लोग रेडी हो गए थे, हम बोले कि नहीं आज तो साला कुछ करके आना है। लेकिन वही है कि बेड लक बोला जाए या कुछ भी, तो हम मतलब मूव नहीं कर पाए थे। तो
बट हमारे अंदर दिमाग के अंदर ये चीजें आ चुका है कि नहीं आज कुछ मिला है, हमने होम मिनिस्ट्री में कुछ करके दिखाना है। तो वो एज ए डेपुटेशन फौज है, आपको पता ही है, तो उसमें तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह के ग्रुप हैं, तरह तरह की यूनिटें हैं। तो लेकिन सब टीम वर्क जो है एक हो जाता है, और टीम वर्क जहां पर है तो सबको काम करने की जो क्षमता है वो अपने आप बढ़ जाती राइट है, और काम करने का जो वो होता है मतलब स्किल जो होता है उसमें लोग माहिर हो जाते हैं। तो वो चीजें खत्म हो जाती हैं कि नहीं यार कोई इंजीनियर का है, कोई इन्फेंट्री का है, कोई ये सब का है, नहीं, वहां पर एक टीम बनता है और टीम वर्क हर एक जवान के अंदर पैदा होता है और वो काम को अंजाम देता है। तो एसजी हो, एनएसजी हो, स्पेशल फोर्स हो, सबका जो मतलब आपको मैं बताऊं कि काम करने का तरीका एक ही होता है, बस सिर्फ भरोसा, विश्वास। जहां पर विश्वास होता है, जैसे अगर मैं यूनिट के अंदर अपने काम कर रहा हूं तो मेरे को अपने अफसर के ऊपर, अपने जेसीओ के ऊपर, अपने जवान के ऊपर 101% भरोसा रहता है कि नहीं मैं अगर कहीं इंजर्ड होता हूं तो मेरा जेसीओ, मेरा जवान, मेरा अफसर मेरा साथ देगा। ठीक है, अगर वही चीज मैं अपने यूनिट से बाहर निकल के कहीं पे काम कर रहा हूं तो वहां पर भरोसा थोड़ा सा डगमगाता है, लेकिन अगर ये सब का जवान है तो उसको अपने भरोसे में ले करके उस काम को, उस ऑपरेशन को अंजाम देता है इंसान। ये नहीं कि मैं ऑपरेशन नहीं करूंगा, मेरे तो अननोन है ये जवान, पता नहीं कैसा लड़ेगा, मेरे साथ लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा या भाग जाएगा, नहीं नहीं वहां पर 100% उसको भरोसे में लेता है और खुद उसको भरोसा दिलाता है कि नहीं यार मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम हमारे साथ हो और हम इस ऑपरेशन को अंजाम देंगे और करेंगे। तो किसी भी स्पेशल ग्रुप्स का एक मतलब टास्क और एक मोडो होता है भरोसा, एक दूसरे के ऊपर भरोसा, और भरोसे के ऊपर ही सब कुछ होता है। सर जहां फोर पर विकास भरोसा है में, वहां पर सब कुछ है। सर फोर विकास में कुछ स्पेशल करने को मिला आपको कि हाँ ये तो डेयरिंग काम था, ये करके मजा आया? देखिए वहां पर क्या है, सेम मतलब जैसे हम यूनिटों में काम कर रहे हैं ऑपरेशन एरिया वैली के अंदर एंटी टेररिस्ट, उसी तरह से वहां भी है कुछ मतलब ट्रुप्स हैं जो कि रा वगैरह के साथ करते हैं या अदर इंटरनेशनल ऑपरेशन वगैरह के लिए होते हैं। तो उसमें मतलब अलग एक ट्रुप ही अलग होता है, मतलब उनको ना आपको पता चलेगा, ना मेरे को, ना इंस्ट्रक्टर को, किसी को, कि हम क्या करने के लिए जा रहे हैं। ना तो मैं आपसे शेयर कर सकता हूं कि अभिषेक मैंने क्या किया, कहां पर किया, कैसे कर सकता हूं, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल कुछ ट्रुप्स होते हैं जो कि एक अलग थलग काम करते हैं, एक सिविल माहौल में काम करते हैं, जो कि जिसका जो डायरेक्शन है सीधे पीएमओ वगैरह से आता है, ऊपर से आता है, जिसके बारे में किसी को कोई शेयर नहीं करता है, कुछ ट्रुप्स होते हैं। बाकी जैसे एग्जैक्टली फोर आपकी विकास, फोर विकास जाना भी जाता है कोवर्ट ऑपरेशंस के लिए, और खासकर फोर विकास के जो ट्रूप्स होते हैं जब वो देश के बाहर जाते हैं कोई ऑपरेशन करने, तो इंडियन गवर्नमेंट थोड़ा बचती है उनसे कि भाई ये हम इसे नहीं जानते, ये अपने हिसाब से कर रहा है, तो ये तो पता है, तो ठीक है सर, अच्छी बात है, इसके बारे में हम ज्यादा जानना भी नहीं चाहेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहेगा सर कि एनएसजी कब आया आपके मन में कि एनएसजी भी ज्वाइन करना है, और क्यों आया? क्योंकि आप इतना कुछ कर चुके हैं लाइफ में, आपने वन पैरा ज्वाइन कर लिया है, आपको सब कुछ मिल चुका है, तो फिर एनएसजी क्यों आया मन में, और फिर कैसा रहा वहां का एक्सपीरियंस? देखिए अभिषेक, 96 में एनर्जी में नॉर्थ ईस्ट में था, उसमें शिलांग उमराई कैंट में था, तो अचानक वहां से वैकेंसी आई कि एनर्जी के अंदर 10 बंदे जाने हैं। तो हम ब्लैक कैट कमांडो मतलब देखते थे कि वीआईपी वगैरह के साथ ब्लैक कैट कमांडो चलते हैं, काली डांगरी वो, मतलब तो हमारे अंदर दिमाग में चलता था यार ये कौन सी फौज है। तो फिर हम बात एक दूसरे से बातचीत करते थे, बोलते थे ये मतलब अपने ही लोग होते हैं जो कि डेपुटेशन पर जाते हैं, होम मिनिस्ट्री के अंदर ये है एनर्जी जो कि दिल्ली और मानेसर में दो जगह डिप्लॉयड है, एंटी टेररिस्ट और एनटीआई है। तो हमारे दिमाग में आया कि नहीं हमें एनएसजी भी जाना है, यार ही जाना है। तो उस समय 96 के अंदर वैकेंसी आई और मैं वॉलेंटियर हो गया कि नहीं मेरे को जाना है। उस समय अभी आप जानते होंगे कि ढिंगरा साहब मेरे टीम कमांडर होते थे, अल्फा टीम के एके ढिंगरा जो कि अभी रिटायर्ड हुए हैं। तो उनको हाँ मैं पर्सनली जाके मिला कि मैं बोला साहब मैंने एनर्जी में जाला, तो उन्होंने बोला कि बकवास करा है तू, अभी एनर्जी में क्यों जाएगा। मैं बोला नहीं मैंने जाना है। बोला कि नहीं अभी टीम ऑपरेशन में जा रही है और तू एनर्जी के लिए बोल रहा है। तो उस समय एक हमारा ऑपरेशन, इंटरनेशनल ऑपरेशन वहीं से लॉन्च हुआ था, तकरीबन
एक मणिपुर से आगे एक पोस्ट हवा कुसुम वगैरह था, उससे इंटरनेशनल ऑपरेशन था, तो वहीं से ऑपरेशन कंडक्ट करके आए और तुरंत हमको बोले कि ठीक है तू चला जा, वॉलेंटियर है चला जा। तो मैं चला गया एनएसजी में 51 के अंदर। तो उस समय एनएसजी में भी 3 महीने का सीसी करनी पड़ती है, जिसको कमांडो कोर्स बोलते हैं। तो 3 महीने मतलब एज ए रंग रूट की तरह घस्सा परेड वहां भी चलता है, दिन रात एक मतलब करते हैं दबा करके घस्सा, न सोने देते हैं ना कुछ करने देते हैं, मतलब बोलते हैं ना कि कुछ रेस्ट भी नहीं होगा और काम भी नहीं होगा, वही चीज होती है वहां पर कि मतलब हरासमेंट, दवा करके हरासमेंट, मतलब इंसान को तोड़ते हैं उस लेवल पर कर देते हैं कि दिमागी तौर पे स्ट्रांग है या नहीं है या हैंड अप हो रहा है, मतलब वही बात फिर दोबारा आपको मैं जैसा है कि बताया बिल्कुल कि उसको तोड़ते हैं, मतलब कि ये हैंड अप हो जा, विल पावर जो है उसका देखते हैं, चेक करते हैं, दिमागी संतुलन को उसको देखते हैं कि दिमाग से स्ट्रांग है या नहीं है। तो वही है चीज, मतलब है जे सीखना सिखाना तो कुछ नहीं, जो कि बट उसको तोड़ते हैं, उसका जो मतलब वो देखते हैं कि मुराल फिटनेस और स्ट्रांग दिमाग से कितना स्ट्रांग है, वो इसी चेक करते हैं। तो 3 महीने का वो जो कंडीशन होता है सिर्फ तोड़ना, जो इंसान टूटा नहीं वो एनएसजी में वो प्रोविजन कर लिया, कमांडो कोर्स पास है, इसके बाद फिर सीखने को मिलता है कि कैसे टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज करते हैं, कैसे वेपन चलाते हैं, कैसे फायरिंग डेवलप करते हैं, मतलब बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत अच्छा एक वो है मतलब ग्रुप एक्सपीरियंस जिसके बारे में मैं, हाँ बहुत अच्छा है। बट आदमी सर। जब 3 महीना वो क्रॉस कर लेता है तब उस अपने असली रूप में हो जाता है कि मतलब हमने जिंदगी में क्या करना है, तो वहां पर पता चलता है कि नहीं देश के अंदर और क्या-क्या चीजें हैं और इंसान क्या-क्या कर सकता है। बहुत सारी चीजें हैं जो व्यूअर्स को नहीं पता है कि सर को ऑपरेशन पराक्रम का भी मेडल मिल चुका है और सर को ऑपरेशन विजय का भी मेडल मिला हुआ है। तो हम आते हैं कारगिल वॉर पे। सर, कारगिल वॉर में आप कहाँ थे, किस पोजीशन पे थे और कैसे आपने एक्शन लिया, पूरी कहानी बताइए प्लीज। देखिए उस समय एक आप पराक्रम की जो आप बात कर रहे हैं, तो आप पराक्रम में हमारे को कुछ टास्क मिला था जो कि हमारी अंडर वाटर डाइविंग टीम थी, और हम सोरन कोट से उठ करके दरावा, नहीं सॉरी दरावा नहीं, बवाना जम्मू के अंदर, बयाना बवाना या बवाना ऐसे कुछ था, मेरे को एक्जेक्टली याद नहीं आ रहा है। वहां पर हम डिप्लॉयड हो गए थे, पूरी हमारी डाइविंग टीम थी, केपी जो अभी मेजर जनरल केपी सिंह साहब थे वो हमारे टीम कमांडर थे वहां पे डाइविंग टीम के। तो हमारे को मतलब टास्क था कि 40 kg के स्लैब बना करके, और हर एक डाइवर कैरी करेगा मतलब जो चिनाव नदी है, और 12 किलोमीटर स्विमिंग करके अंडर वाटर जाएगा, और एक हमारे को टास्क के अंदर ब्रिज था जिसको हमने डिस्ट्रॉय करना था, तो वो हमारा टास्क था बेसिकली ऑफ पराक्रम 2 में। तो हमने करीब करीब 30 दिन तक कंटिन्यू उसी की प्रैक्टिस करते रहे थे, रात को हम चिनाव के अंदर 11-12 बजे इन होते थे और मॉर्निंग में 3 या 4 बजे हम निकलते थे, इतना मतलब हमारा हार्ड मतलब वो था, उसका ट्रेनिंग था उस टारगेट के लिए। तो हमारे करीब करीब 20 से 25 का ट्रुप्स था जो कि डाइवर थे, अंडर वाटर डाइवर थे। इसी बीच में एक हमारे साथ हमारा जो बड्डी था सिलवा सिलवा करके था, आज हमारे बीच वो है भी नहीं, सोपुर के अंदर शहीद हो गए थे वो, सोपुर का ऑपरेशन जस आपको आपने सुना होगा, तो उसी हाँ सर, ऑपरेशन में वो शहीद भी हो गया था। तो सिलवा जो था वो डाइवर था और मेरा बड़ी था, और हम मतलब 40-40 kg के 2 स्लैब एक्सप्लोजिव के बना करके और पिट्ठू के अंदर हमने भरा, और स्विमिंग करते हुए हम मूव कर रहे थे। जैसे ही 4-5 किलोमीटर गए उसको हाइपोथर्मिया हो गया सिलवा को, और वो फ्लोट हो गया बिल्कुल। फ्लोट होने के बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, हम करीब करीब 3-4 किलोमीटर जा चुके हैं, ट्रूप्स बड़ी वाइक चल रहा है और रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, रात के मतलब 1:30-2 बज रहे हैं। तो जब मैंने उसको पकड़ के हिलाया तो कोई रिस्पॉन्स नहीं, तो फिर मैं बोला सिलवा सिलवा सिलवा, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो उसको एक्चुअली हाइपोथर्मिया हो गया था, और वो केकड़ा जैसे केकड़ा होता है वैसे वो हो गया था। उसको हमने फटाफट बाहर निकाला, और बाहर निकालने के बाद हिलाया डुलाया कोई रिस्पॉन्स, फिर हमारे ट्रुप्स में एक एनए था, एनए ने इंजेक्शन 1-2 लगाया, कोई रिस्पॉन्स नहीं। फिर हमने उसको क्या किया, स्लीपिंग बैग के अंदर लिए, बॉडी को पूछा पोछा
पोच वगैरह करके स्लीपिंग बैग के अंदर डाला और उसको बॉडी का हेड दिए, बॉडी का हेड दे करके सीधे ले गए हम इमेज के अंदर। वहां पर डॉक्टर साहब आए 2 बजे रात को, इंजेक्शन वगैरह दे करके फिर वो थोड़ा सा रिस्पॉन्स दिया, उसका टेम्परेचर बढ़ा, तो मतलब किसी तरह से वो बच गया। तो ये हमारा पराक्रम 2 में चलता रहा। इसके बाद लास्ट में क्या हुआ आपको पता ही है, ठीक है? वो ठंड की वजह से उनकी ठंड के कंडीशन है। जो बॉडी की पानी का टेम्परेचर था वो माइनस में था, वो टेम्परेचर चिनाव में पूरा बर्फ का ही पानी है। तो रात को 11 बजे एंट्री करना, मॉर्निंग में 4 बजे निकलना, मतलब जो ऑपरेशन का कंडीशन था उसी के अकॉर्डिंग हम वो कर रहे थे, ट्रेनिंग कर रहे थे कि ऑपरेशन का क्या कंडीशन है, उस ऑपरेशन को कैसे हमने कंडक्ट करना है, उसी के अकॉर्डिंग हमारी पूरी ट्रेनिंग चल रही थी। और फिर लास्ट में हमने ऑपरेशन कंडक्ट करना था जो आप पराक्रम 2 का था। तो उसमें पानी की ठंड के वजह से उनको हाइपोथर्मिया हुआ था और तकरीबन ये 30-35 दिन कंटिन्यू ये चीजें चलती रही वहां पर, प्रैक्टिस इतनी हार्ड प्रैक्टिस थी। तो इसके बाद दो कारगिल वार आपका जो चला, तो उसमें ज्यादा कुछ तो नहीं, हमारी मतलब कुछ टीमें बटालिक में थी, कुछ आगे थी। तो उस समय मैं ऑपरेशनली मतलब डोडा में डिप्लॉय था, डोडा से मतलब चारों तरफ थे। जो ऑपरेशन कमांडर थे हमारे पीसी भारद्वाज साहब थे, तो पीसी भारद्वाज साहब मतलब तकरीबन यूनिट को उस कंडीशन में देते थे ऑपरेशन जहाँ की थोड़ा मतलब अच्छा ऑपरेशन हो और थोड़ी मतलब कुछ हासिल हो उस टाइप का। सर इतनी डेयरिंग लाइफ रही है आपकी इस पूरी जर्नी में। मैंने ये क्वेश्चन मेजर अविनाश सर 11 पैरा से उनसे भी पूछा था, मेजर सुशांत सर उनसे भी पूछा था, अब ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इस पूरी जर्नी में ऐसा कोई सा मोमेंट रहा जहाँ पे लगा कि कुछ ज़्यादा रिस्क ले लिया यार, अब लगता है जान तो बचेगी नहीं, या जहाँ पे लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता ये लास्ट टाइम है, ऐसा कोई ऑपरेशनल टाइम रहा आपका एक्सपीरियंस रहा कि वहां से कैसे बचे आप, किस तरीके से उस प्रेशर को आपने टैकल किया? देखिए इसमें ऑपरेशन में तो बहुत ही बार बहुत बार हुआ कि हम सोचे अभी फंस गए हैं, बट आपसे एक दो शेयर करूंगा कि हम पोर्ट ब्लेयर में है ब्लॉक करके एक आईलैंड है जो कि आपको मालूम होगा, वहां पर हम डाइव कर रहे थे। तो वहां पर कर्नल डाइविंग ट्रूप के ट्रूप कमांडर, तो मैं बोला कि साहब आप इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहे हैं। वहां पर एक्चुअली एक रैक था, रैक था उसको हमने सिक्योर करके निकालना था। बोट काफी मतलब सेकेंड वर्ल्ड वार की थी तो काफी डाइवर जा करके टच करके आ गए थे, लेकिन किसी ने रिस्क नहीं लिया कि उसको रैक को उसको निकालें। तो उन्होंने बोला नहीं हम निकालेंगे। मैं बोला कि साहब क्यों आप रिस्क का, हमारे पास चेम्बर नहीं है, कंप्रेशर नहीं है, कुछ नहीं है, आप क्यों रिस्क ले रहे हैं, कोई मेरे डॉक्टर नहीं है। तो हम 5-6 बंदे थे, हम बोले बोले कि नहीं अरे हम डाइव करेंगे। हम बोले ठीक है। तो अभी हमारे अंदर स्पेशल फोर्स के अंदर किसी भी स्पेशल कोई स्पेशल फोर्स हो जो टीम कमांडर ने बोल दिया वो फाइनल है। हम डिस्कस तो करते हैं, एक जवान भी हमारा डिस्कस करता है, अपना व्यू रखता है, पॉइंट रखता है, उसको सुना जाता है, लेकिन उसको पॉजिटिव ढंग से हम लेते हैं, निगेटिव नहीं, पॉजिटिव। तो उन्होंने बोला नहीं करना है, बोले ठीक है करेंगे, बट करेंगे तो उसको हम तरीके से करेंगे, ऐसे बेवकूफों की तरह नहीं। फिर हमने डाइव प्लान कर ली, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का वो शिप था, वो डूबा हुआ था तकरीबन 78 मीटर के ऊपर डेप्थ के ऊपर था और सैंड के ऊपर था बिल्कुल। हमने डाइव स्टार्ट कर दी और तकरीबन 30-35 मीटर तक हम डाइव किए, इसके बाद अंधेरा शुरू हो गया, हमारे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हम टोटल 2-3 डाइवर थे। फिर इसके बाद 40, 50, 60, फिर वही हम अंधेरे में जा रहे हैं, हमारे को कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि हम कितने डेप्थ पर हैं, क्या है, मतलब बेवकूफों वाला डाइव हमने स्टार्ट कर दी थी। फिर हमारा कंप्रेसर कुछ नहीं, चेम्बर नहीं, कोई प्रकाशन नहीं सेफ्टी का। हम गए रैक के पास पहुंच गए तो हमारे पास हुक था, हमने हुक को सडनली फेंका और हमारा जो हुक था वो उसके सॉफ्ट में, रैक के सॉफ्ट में फंस गया और हम वहां से तुरंत वापसी ऊपर चल दिए, उनको मेजर साहब को थपथपाए और ऊपर चल दिए। जब ऊपर आए तकरीबन
40 मीटर के ऊपर, तो हमको डिकम्प्रेशन स्टॉप लेना पड़ता है। तो अगर डिकम्प्रेशन स्टॉप आप नहीं ले सकते हैं तो आपका काफी प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब लंग्स आपका ब्रस्ट हो सकता है, एयर ब्रस्ट हो सकते हैं, काफी प्रॉब्लम हो सकती है। तो फिर हमने यही सोचा कि साला आज बचेंगे नहीं, आज हम मर जाएंगे। ऐसी कंडीशन, हमारे पास सिलेंडर ऑक्सीजन मतलब खाली हो गया, कोई एयर सप्लाई नहीं है, कुछ नहीं है, हम उस डेप्थ पर डाइव कर रहे हैं और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ना प्रेशर गेज का पता चल रहा है, ना हमारे को स्टॉप जो लेना होता है वो हम प्रॉपरली टेबल के हिसाब से ले पा रहे हैं, मतलब सब कुछ अंधेरे में चल रहा है, सब कुछ हवा में चल रहा है। तो हमने सोचा कि आज बचेंगे नहीं, आज या तो लंग्स ब्रस्ट होगा या इसी में फाउल होंगे, मरेंगे, मतलब आज बच नहीं सकते हैं। ऑपरेशन तो हमने कर दिया, लॉन्च कर दिया, कहने के ऊपर डिस्कस किया, कर दिया, लेकिन आज हम बचेंगे नहीं, चारों पांचों इसी में हम खत्म हो जाएंगे। तो एक तो वो बड़ा मेरे को मतलब वो कभी मैं भूलता नहीं हूँ उस समय। और हम सेफली, हम पूरे मतलब चार पांच का जो हमारा ट्रिप था, सेफली हम आ गए ऊपर। और फिर इसके बाद साहब ले जाके होटल में पार्टी वगैरह दिए, बोले यार हमने आज वो कारनामा किया है जो कि इंडियन आर्मी के क्या मार्कोज के भी ड्राइवर नहीं करते हैं, नेवी के भी ड्राइवर नहीं करते हैं, जो कि आज इंडियन आर्मी के या सबके ड्राइवरों ने काम किया है। तो फिर गए होटल वगैरह में पार्टी दिए और दो चार लोगों से मिलाए, बोले बातचीत हुए मार्को से, एक दो साहब लोग थे, बोले यार तुम लोग तो बड़े निकम्मे आदमी हो। हम बोले हम निकम्मे हैं कि हम 78 मीटर के ऊपर डाइव करके आ रहे हैं, हम निकम्मे कैसे हो गए और सेफ आ रहे हैं, हमारे अंदर हमारा विल पावर देखो आप, मतलब साहब काफी डिस्कस करने लगे उनसे, हमारा विल पावर देखो, हमारा जज्बात देखो कि हम इतने मीटर डेप्थ के ऊपर हम डाइव करके आ रहे हैं विदाउट उसके। तो वो कंडीशन मतलब हमारा वो था कि मैं कभी उस ऑपरेशन को भूलता नहीं हूं। सर एक सेशन था विवेक जैकब सर का, उन्होंने एक सेशन में बताया था कि कितनी बार ऐसा होता है कि आपको लोग घेर लेते हैं और अब आपको वहां पे उनको न्यूट्रलाइज भी करना है और वहां से आपको जाना भी है वापस। तो सर ऐसी सिचुएशन सबके साथ आती होगी, तो जब आपके कॉन्टेक्ट होते थे तो कभी ऐसा हुआ कि मिलिटेंट्स हो या टेररिस्ट ने घेर लिया है और आप बीच में फंसे हुए हो, उस प्रेशर को टैकल कैसे किया आपने, प्लीज उसको जरा बताइए। देखिए, एक बार हम चौगांव सोपिया साउथ वैली में थे, सोपिया में, तो वहां पर कबट उसी में देखिए मोहित शर्मा साहब थे, अभी नाम फिर उनका आ गया, इतने वो टैलेंट थे। तो उन्होंने कबट में जाके ऑपरेशन कर दिया, दो मिलिटेंट मार दिया, वो थे और उनके साथ थे एक बड़ी और था, मतलब टोटल तीन बंदे थे, मार दिया। वो फिर काल इफ्तार किया भट्ट कि वाले, यार, या बिल्कुल राइट, इस्तिकार भट्ट, उसमें उनका नाम वही था, मार के फिर काल किए कि यार ऐसे ऐसे बहुत सारे ऑपरेशन उन्होंने कबड्ड में किया, बहुत सारे, गिनती नहीं है इतने ऑपरेशन। अरे तो उसको करने के बाद उन्होंने काल किया कि यार हमने दो बंदे गिरा दिए हैं, अभी तुम आ जाओ। तो हम उसमें फटाफट टीम लेकर के अपनी गए और जैसे मिलिटेंटों की बॉडी हमने खच्चर के ऊपर बांध करके लाने के लिए चले, वैसे पूरा गांव वाले आके घेर लिए और लगे पत्थर और मारने, उसी में मिलिटेंट भी थे, मतलब। तो वो कंडीशन ऐसी बनती है कि ना आप गोली चला सकते हैं, ना तो आप कुछ कर सकते हैं, वहां से किसी न किसी तरह से आपको निकलना है। उसी में हमारे, बल्कि आपको मैं, चलिए ठीक है, मतलब बहुत ही कंडीशन खराब हो गई थी, ठीक है। ऐसा इंसिडेंट हमारे साथ हुआ था कि आपको मैं शेयर नहीं कर सकता, पर्सनली फोन पे मैं बताऊंगा क्या हुआ था उसमें। बट हम वहां से निकल गए, बॉडी लेके निकल गए, 2 किलोमीटर आए, इसके बाद फिर गांव वाले, दूसरे गांव वालों ने घेर लिया, बहुत बड़ा, हजारों के स्ट्रेंथ में हो गए। फिर हमने क्या किया, एक बॉडी को वहीं पर हजारों गिरा दिया, हजारों के हिसाब से, और पत्थर मार रहे हैं, सब कुछ मतलब नारा लगा रहे हैं। फिर हमने एक बॉडी को वहां पे गिरा दिया और एक बॉडी को हम फटाफट वहां से दूसरी टीम से निकाल दी, एक बॉडी तो हमारी सेफ पहुंची अपने लोकेशन में, एक बॉडी और कुछ ट्रुप्स वहां पर रह गया जो कि उनके साथ। फिर हमने पुलिस को बुलाया, पुलिस तो आ गई थी, बट और फोर्स बुलाए, पैरा मिलिट्री, सीआरपीएफ वगैरह बुलाए, फिर उनके हैंड ओवर करके हम वहां से अपने आप को निकाले और उनको दे दिए कि भैया अभी इस बॉडी को तुम लेकर के आओ। तो कहने का मतलब वहां पर दिमाग वगैरह सब कुछ चलता है। अभी हमने एक बॉडी तो निकाल लिया, वेपन हमने रिकवर कर लिया, एक बॉडी बची है, हमने अमरी पुलिस को दे दिया और सीआरपीएफ को कि आप लोग इसको करो मैनेज और लेकर के आप लोग आओ, ये है केल, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे हैं, वो ऑपरेशन मोहित साहब का ही था, मतलब पर्सनली वही थे और एक बंदा उनके, दो बंदे और उनके साथ में थे,
उस समय हमारे मतलब करीब करीब पर डे 2-3 ऑपरेशन चलते थे, ऐसी कंडीशन थी वहां पे। 2002 की बात है ये, 2001-2 में हम थे वहां पे शोपिया में, तो उस समय ये कंडीशन था कि पर डे मतलब 2-3-4 ऑपरेशन पर डे होते थे। तो जिसमें कवर्ट की टीम, 2-3 टीमें थी और 2-3 ऐसे कम्बैट में ऑपरेशन करते थे। तो मतलब डेली के 4-5 ऑपरेशन उस समय कंडक्ट करते थे हम लोग। और मोहित साहब तो बेसिकली उनका एक दो बंदे परफेक्ट होते थे उनके साथ जो कि कंटिन्यू रहते थे, और तकरीबन 7 दिन में 5 दिन वो आउट ही रहते थे। मतलब मिलिटेंट ही बन के घूमते थे, 7 दिन में 5 दिन वो मिलिटेंट ही। हम मैंने बोला साहब आप मिलिटेंट ही बन जाओ, बन के निकल जाओ। बोलते थे क्या साहब आप क्या बात कर रहे हो। तो मैं बोलता था उनको कि साहब रेस्ट भी कर लिया करो, थोड़ा साथ में बैठ करके गपगुप मार लिया करो, आप 7 दिन में 5 दिन तो बाहर रहते हो, अब फिर हम लोग बोलते हैं तो आप बोलते हो नहीं यार कुछ करना है। तो उनके अंदर जुनून था, मतलब बहुत जुनूनी जुनून था। परफेक्ट सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आऊंगा, उससे पहले अभी अर्बन वॉरफेयर स्कूल के बारे में थोड़ी बातें करेंगे कि अभी आप उसके इंस्ट्रक्टर हैं, हेड इंस्ट्रक्टर हैं, तो मैं आपसे भी जानना चाहूंगा और मैं एक जो मुदित सर हैं उनको भी ऐड करना चाहूंगा, कॉम्बैट असली में होता क्या है, उसको कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है वो हमें मुदित सर बताएंगे, तो मैं सर को ऐड करता हूँ, थोड़ी देर वो बताएंगे फिर हम कंटिन्यू करेंगे। सर ठीक है, ओके। अभी लास्ट ईयर आपने रिटायरमेंट ली है, अगर अब आपको फिर से ज्वाइन करने का मौका मिले तो वो कौन सी फोर्सेस रहेगी, मतलब आर्मी में ही एनएसजी रहेगी या पैरासेफ रहेगी, क्या रहेगा सर? हाय बड़ी जैन सर अभिषेक, ये जो क्वेश्चन आपने किया तो मैं तो बोलता हूं कि मेरी यूनिट मेरे लिए बहुत प्यारी है। और दोबारा अगर फ्री ऑफ कॉस्ट अगर ऐसे बोले यूनिट की साहब आओ आप यहीं पर ऑपरेशन करो, यहीं पे मैनेजमेंट करो और हमारे साथ रहो, तो मैं यूनिट में जाना पसंद करूंगा और यूनिट में जाऊंगा। बन पा रहा है सर, राइट सर। यस यस बिल्कुल। सो वेलकम मुदित सर ऑन आवर प्लेटफॉर्म, थैंक थैंक्स अ यू लॉट, मच। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट यार। हाउ आर यू सर? ऑल गुड बडी, ऑल गुड। सर प्लीज बताइए क्या है ये अर्बन वॉरफेयर स्कूल, हमारे सर भी एसोसिएटेड है उनसे, आप लोग कॉम्बैट को किस तरीके से एग्जीक्यूट कर रहे हो, प्लीज लेट अस नो, वी आर वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट यू। यार ये जो कॉन्सेप्ट है अर्बन वॉरफेयर स्कूल का, जिसमें अभी सर भी जुड़े हैं हमारे साथ और जो टीम मेंबर्स भी हैं, तो कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है। हमें जो सेल्फ प्रिजर्वेशन है और जो कॉन्सेप्ट है सेल्फ डिफेंस का, उसको रियलिटी बनाना है। अब उसको रियलिटी बनाने का जो एक तरीका है वो ये है कि आप जो इंडिविजुअल्स हैं उनमें कुछ बेसिक जो स्किल्स हैं वो डालो। तो उसमें एक तो अपना जैसे जो अनआर्म्ड कॉम्बैट है वो जरूरी है आज की डेट में, ना जितना जो क्राइम हो रहा है उसको देखते हुए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अनआर्म्ड कॉम्बैट जो है वो सबको आना चाहिए। साथ ही साथ यू नो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको इमरजेंसी फर्स्ट रिस्पॉन्स की ट्रेनिंग भी जरूरी है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि किसी भी इंडिविजुअल को ये पता होना चाहिए कि उसके आसपास जो एनवायरनमेंट है जहाँ पे वो रह रहा है वो कैसा है। ठीक है, दो दो तरह के एनवायरनमेंट होते हैं। एक एनवायरनमेंट होता है जहाँ पे आपको पता है कि थ्रेट एग्जिस्ट करता है, टीवी सर को उसके बारे में पता होगा अच्छी तरीके से कि उसमें क्या रहता है कि जैसे जो हमारी आर्म्ड फोर्सेज हैं और जो पैरामिलिट्री हैं उस एनवायरनमेंट में ऑपरेट करते हैं। ठीक है, वहां पे पता है कि थ्रेट जो है वो एग्जिस्ट करता है और वो कहीं से भी निकल कर आ सकता है। तो जो ऑपरेटर्स होते हैं वो मेंटली रेडी रहते हैं, उनका एक सिचुएशन अवेयरनेस जो होता है वो उसका जो मार्कर होता है वो थोड़ा सा ऊपर होता है। ठीक है, अब अगर मैं उस एनवायरनमेंट को थोड़ा सा बदल दूं, है ना, उसमें अगर मैं चीजें डाल दूं आपके कंफर्ट की, है ना, जैसे आज कोविड से पहले जो हमारा जो एनवायरनमेंट था वो ये था कि हमारी फैमिली थी, ठीक है, स्टेबल जॉब है, अगर आपको कहीं बाहर जाना है तो रेस्टोरेंट्स हैं, पब्स हैं, ठीक है, मॉल्स हैं, सिनेमा हॉल्स हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, इंटरनेट, मतलब यू नेम इट, वो सारी चीजें आपकी लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, तो जब जब आदमी कंफर्टेबल होता है ना, जब आदमी कंफर्टेबल होता है तो वो अपने जो एक एक सेफ्टी है और उसकी वेलबींग को लेकर थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है।
आज हम लोग अपनी लाइफस्टाइल की वजह से कंफर्टेबल हुए हैं, उसकी वजह से हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है। आज हेल्थ प्रॉब्लम्स की तरह ही एक पर्सनल सेफ्टी का जो एक आप ये कह सकते हैं एक पर्सनल सेफ्टी की कैटेगरी है, जिसको लेकर हम लोग थोड़े से अनअवेयर हो गए, ठीक है। हम लोगों ने एक फॉल्स सेफ्टी नेट अपने चारों तरफ बना लिया और हमें लगता है कि उसको कोई ब्रीच नहीं कर सकता। अगर किसी के साथ कुछ बुरा हो रहा है तो उसके अपन रीजंस भी लगा देते हैं कि एक्स वाई जेड उसके साथ कुछ रीजन होगा, उसकी वजह से उसके साथ क्राइम हुआ, ठीक है। पर वो जैसे ही हमारे साथ कुछ होता है ऐसा कुछ भी, तो हमें एकदम से शॉक लगता है, उसको बोलते हैं कॉम्बैट शॉक, ठीक है। तो कॉम्बैट शॉक हमें लगता है, हमें हमें समझ में नहीं आता कि यार हम करें तो करें क्या। तो जो उद्देश्य अर्बन वॉरफेयर स्कूल का वो ये है कि सबसे पहले तो लोगों को वो जो एक भ्रम है कि आपका जो सेफ्टी बबल है उसको पहले तो उसको हटाना है, उनको समझाना है कि जो सिविल वर्ल्ड है वो भी उतना ही हॉस्टाइल है जितना कि जो एनवायरनमेंट जहाँ पे हमारी जो आर्म्ड फोर्सेज हैं और पैरामिलिट्री ऑपरेट कर रही है, ठीक है। दूसरा ये कि दूसरी चीज ये कि उनमें वो नेसेसरी स्किल्स डालना जरूरी है, ताकि वो अगर ऐसी कोई चीजें हो तो वो जो कॉम्बैट शॉक होता है उसको वो जल्दी से एब्जॉर्व कर पाए, राइट, ठीक है। सो द एंटायर ऑब्जेक्टिव इज टू क्रिएट अ स्पेशल क्लास ऑफ इंडिविजुअल जिन्हें पता होगा कि देर इज अ बैड गाय आउटसाइड, यू नो, हु कैन मेक देयर मूवमेंट हेल, बट दे विल बी रेडी, दे विल बी ट्रेन्ड एंड दे विल हैव द हार्ट टू ब्लडी गिव हिम द नाइटमेयर फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। सो दैट इज द एंटायर कोर आइडियोलॉजी ऑफ अर्बन वॉरफेयर स्कूल। और आई एम रियली वेरी थैंकफुल कि सर भी हमारे साथ जुड़े, उन्होंने इस आइडियोलॉजी को समझा और उन्होंने डिसाइड करा इसका पार्ट बनने का। थैंक यू सो मच मुदित सर, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आप जो आइडियोलॉजी के साथ उतरे हैं उसमें आपको सक्सेस मिले। एंड हमारे थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट यार। बस इतना कहूंगा कि जितने बच्चे कॉम्बैट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, जस्ट टॉक टू देम गाइज, वो आप लोगों को तैयार करने के लिए आए हैं। एंड कोई लास्ट मैसेज देना चाहोगे मुझे सर बच्चों को? यार मैसेज यही रहेगा कि मतलब जैसा जैसे यहाँ पे जो डिफेंस एस्पिरेंट है, ये सारा जो गेम होता है ना वो मेंटल होता है, ठीक है। आज आप सेल्फ डिफेंस की भी अपन बात कर रहे हैं, लाइफ में कुछ भी चीज आपको करनी है तो उसमें वो एक अगर आप मेंटली टफन अप हैं तो आप कुछ भी अचीव कर जाओगे, ठीक है। हम लोग आजकल बहुत सारी बातें हो रही है कमांडोज को लेकर, स्पेशल फोर्सेस को लेकर, है ना, वो कैसे दिखते हैं, वो कैसे ऑपरेट करते हैं, उनके पास वेपन वगैरह कैसा रहता है। अगर कुछ चीज पकड़नी है स्पेशल फोर्सेस के बंदों के बारे में ना, तो उनकी सोच पकड़ो। एक बार अगर आपने सोच पकड़ ली तो फिर आप चाहे आर्मी में जा रहे हो, नहीं जा रहे हो, लाइफ में कुछ भी कर रहे हो ना, यू विल बी ब्लडी सक्सेसफुल। आप वो झंडे गाड़ कर आ जाओ, झंडे गाड़ कर आ जाओगे आप। भाई जहनियत अगर आपकी घातक होगी तो आप जन्म को भी जन्नत बना लोगे, ठीक है। क्या बात, एग्जैक्टली सर। ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट बड़ी। सीवी सर के साथ बातचीत, थैंक यू सर। All the best, sir. All the best. Okay. Thanks a lot, yeah. Thanks a lot. Thank you. Okay. Yes, sir. तो ये आपकी जो second inning आप start कर रहे हैं, we wish you all the best for that. मुझे पता है आप इसमें भी excel ही करोगे, क्योंकि आपने कभी second number सोचा ही नहीं है, आपने हमेशा first सोचा है and आपने वो prove करके भी दिखाया है. Okay, sir. Next question पे आते हैं. आपके army life में फर्स्ट किल ज्यादा स्पेशल रहा या लास्ट किल ज्यादा स्पेशल रहा और क्यों? देखिए अभिषेक, फर्स्ट और लास्ट आपने जो बोला, फर्स्ट और लास्ट दोनों स्पेशल रहा। फर्स्ट किल इसलिए स्पेशल रहा कि वहीं से मैं मोटिवेटेड होता गया और मेरा ट्रूप्स मोटिवेट हुआ। वो एक हिस्ट्री, एक मतलब वो बना ट्रुप्स के लिए, मिसाल बना टीम के लिए। एक जैसे बोलते हैं ना कि कोई हिस्ट्री सुनाइए, कोई केस स्टडी सुनाइए, तो एक केस स्टडी था फर्स्ट किल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और लास्ट किल वही केस स्टडी लास्ट किल बना कि मतलब लास्ट में क्या हुआ,
मतलब ये चीजें हुई। तो फर्स्ट और लास्ट होने होने में 28 साल मेरे को लगे, और 28 साल में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। ठीक है, तो फर्स्ट और लास्ट में भी बहुत बड़ा परिवर्तन आया। ठीक है, तो लास्ट हम यही सोचे कि अपने आप को, अपने यूनिट को, अपने टीम को, अपने ट्रुप्स को एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे के जाऊं, एक अच्छा इतिहास, एक अच्छा केस स्टडी दे के जाऊं, जिससे हमारा ट्रुप्स, हमारी टीम, हमारी यूनिट हमेशा ऊपर रहे। और हमारी यूनिट, हमारी टीम, हमारे ट्रुप्स ऊपर है तो हम भी ऊपर हैं, क्योंकि इसे हम अपने टीम, ट्रुप्स और यूनिट से हैं। हमारा यूनिट, टीम और ट्रुप्स हमसे नहीं है, इसलिए हमारे लिए फर्स्ट और लास्ट दोनों स्पेशल रहा। वो आपका प्यार दिखता भी है वन पैरा एसएफ के लिए। हम जब भी टीडीए कोई भी पोस्ट डालता है पैरा एसएफ का, तो आप आके वहां पे कमेंट करते हैं वन पैरा एसएफ की जय, तो वो झलकता है सर, वो झलकता है। मैं अपनी पूरी लाइफ अपने देश, अपनी यूनिट, अपने टीम और अपने ट्रुप्स के लिए दे दिया। और हमेशा जब भी मैं अपने कंट्री के बारे में, अपने यूनिट के बारे में, अपनी टीम के बारे में कोई अच्छा से अच्छा ऑपरेशन, कोई अच्छे से अच्छे इतिहास, कोई अच्छे से अच्छे कारनामे आए, जिससे मैं प्राउड, अपने को प्राउड फील करूं कि नहीं यार, मैं तो इंडिया का हूं और इंडियन आर्मी ने ए किया, मैं तो फर्स्ट पैरा एसएफ का हूं, फर्स्ट पैरा ने ए किया, मैं तो फलाने टीम का हूं, मेरी टीम ने ए किया, तो वही मेरे लिए सबसे बड़ा वो कामना मेरी रहेगी और वही सबसे बड़ा मेरा विश है। बिल्कुल 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 सर, इस पूरी जर्नी में ऐसे कौन से आपके फ्रेंड हों या आपके सीनियर हों, किसके साथ सबसे ज़्यादा मज़ा आया ऑपरेशंस करने में और साथ ड्यूटी करने में, वो कौन है अगर उनको आप याद करना चाहें और उनकी कोई कहानी किस्सा बताना चाहें तो प्लीज़। देखिए, हम मतलब फर्स्ट पैरा एसएफ के अंदर हम तीन फ्रेंड बहुत खास थे। एक अभी मऊ के अंदर सूबेदार मेजर बहादुर मेहता करके हैं, वो है। एक अभी ऑनरी कैप्टन रिटायर्ड हुए जगत साहब, और एक मैं। तो हम तीन मतलब तिकड़ी हुआ करते थे। हमारे टीम और यूनिट में बोलती थी ये तीन तिकड़ी है, जहां जाएगी एक साथ जाएगी। तो हम ऑपरेशन में भी एक साथ रहते थे, ट्रेनिंग में भी एक साथ रहते थे, यहाँ तक कि ईआरई भी हमने एक साथ एनएसजी भी काटी, और भी कहीं आरआर वगैरह में इधर उधर जाते थे एक साथ, कहीं भी एनीवे। तो तकरीबन 28 इयर्स की लाइफ में 20 साल हम लोग एक साथ रहे। इतना मतलब हम लोगों का लक अच्छा होता था कि हम एक साथ कहीं भी मूव करते थे, ईआरई हो, चाहे ऑपरेशन हो या ट्रेनिंग हो, यहाँ तक कि टीम, एक ही टीम में हम थे भी, और एक ही साथ हम लोग बेंगलोर से ट्रेनिंग भी करके आए थे। हालांकि हम लोग एक कोर्स के नहीं थे, अप डाउन थे, मतलब मैं 103 का था, हमारे बहादुर साहब थे 101 के, 99 के, और जगत साहब 100 के थे। बट हम लोगों का जब वन पैरा में डिंडक्ट हुए थे हम, तो उस समय से अभी तक हम लोगों की जर्नी पूरी एक ही साथ चली। और हम रिटायर भी, मैं हो गया, जगत साहब हो गए, बहादुर साहब अभी रिटायर होने वाले हैं, जो कि अभी मऊ में सूबेदार मेजर की ड्यूटी कर रहे हैं। क्या बात है सर, जिस प्लेटफॉर्म पे अभी आप हैं, जब पिछले साल गलवान वैली वाला किस्सा हुआ था, हादसा हुआ था, किस्सा नहीं हादसा कहेंगे, उस टाइम हमने कुछ इनिशिएटिव्स लिए थे जिसमें हम शहीद के परिवार को, बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं, साथ में जॉब अपॉर्चुनिटी जहाँ तक अवेलेबल हो पाती है करवाते हैं। वो बच्चे भी आपको सुन रहे हैं और उनको नीड है मोटिवेशन की, और उनको इस देश को ये समझना पड़ेगा कि वो परिवार वैसा परिवार है जिसके मुखिया ने इस देश के लिए जान दे दी, इस देश को भी उन परिवारों के लिए कुछ करना चाहिए। तो जो बच्चे आपको सुन रहे हैं उनके लिए आपको लास्ट इस सेशन का टिप क्या रहेगा और क्या सलाह देना चाहेंगे आप, और टीडीए को क्या बताना चाहेंगे? देखिए, मैं तो ये बोलूंगा कि उनके जो भी पेरेंट्स थे शहीद हो गए, या जो भी कुछ हुआ उनके उनके साथ, उनकी फैमिली में इंसिडेंट वो हो गया, बट उनके अंदर ये अपने देश के प्रति और अपने आप के प्रति वो फील होना चाहिए कि नहीं, मैंने अपने देश के प्रति कुछ करना है। जो एकेडमी है, आप इतना अच्छा उनको मदद या
फैसिलिटी या इवेंट या ऐसा एक ट्रैक प्रोवाइड करा रहे हैं कि जो आसानी से अपने मकसद, अपने लक्ष्य, जो इंसान का एक गोल होता है, अगर गोल के साथ जी रहा है तो आप समझिए कि नई जिंदगी को जी रहा है, अगर ऐसे जी रहा है तो कोई मीनिंग नहीं है। तो आपने जो कुछ किया है, आप जो कुछ कर रहे हैं, तो एक यंग ब्लड के लिए, यंग सर के लिए, उस गोल को, उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आप जैसा कोई ट्रैक देने वाला नहीं मिलेगा जैसा कि आप प्रोवाइड उनको कर रहे हैं। तो मैं तो उनको यही बोलूंगा कि आपसे वो जुड़े रहें और आप जो कुछ दे रहे हैं आपसे ज्यादा से ज्यादा लेने की कोशिश करें। ये नहीं कि आपको सुने और एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दें और वो करें, नहीं। आपने जो कुछ, मैं देख रहा हूं कि आप जो कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर उसका वो 70% भी हासिल करते हैं उसको, तो आराम से वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल सर। सर ये सिर्फ एकेडमी नहीं है, ये परिवार है, इसे सारे बच्चे भी एज ए फैमिली लेते हैं, टीडीएफ फैमिली। तो यहाँ पे जो भी बच्चे आते हैं उनको ये नहीं देखते हैं कि एक बज रहा है या दो बज रहा है, उन्हें जब जिससे जरूरत पड़ती है, मेंटर हो या टीचर हो, उनसे बात कर सकते हैं। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनका जो ख्वाब है वो ख्वाब पूरा हो, और आप जैसे महान लोग जब आते हैं और मोटिवेट करते हैं तो कहीं ना कहीं और उनकी मेहनत की क्षमता बढ़ती है और वो लोग अच्छा करते हैं। इसीलिए हम लोग हर वीक टेस्ट भी रखते हैं कि हम देखते रहें कि वो क्या कर रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं, कितना नहीं पढ़ रहे हैं। तो थैंक यू सो मच सर, इट वॉज सच अ ग्रेट सेशन, बहुत मजा आया। आपको कैसा लगा ये सेशन करके प्लीज बताएं सर। अभिषेक, मेरे को बहुत अच्छा महसूस हुआ। और जो डिजिटल इंडिया बोलते हैं, जैसा कि हमारे पीएम साहब ने बोला है, तो हम लोग तकरीबन, हम पुराने, उतने पुराने तो नहीं बोल सकते हैं कि हम लोग हैं, बट काफी कुछ आप लोगों जैसे महानुभाव से मिल करके हमारे को कुछ सीखने को मिलता है। और हम तकरीबन 48 समथिंग, 49 के हो गए हैं, बट अभी भी आप जैसे लोगों के साथ मिल करके, देख करके हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं और सीख रहे हैं, और मेरे को बहुत मजा आया। सर एक चीज बताना चाहूंगा कि ये जो आपकी सेकंड इनिंग अब स्टार्ट हुई है, इसमें कहीं भी कभी भी अगर इस छोटे भाई की कुछ भी जरूरत पड़ती है आपको, तो प्लीज बताइएगा, मैं अपनी टीम के साथ आपके साथ खड़ा रहूंगा। बिल्कुल श्योर, श्योर अभिषेक, श्योर। ठीक है सर, थैंक यू फॉर द सर्विस जो आपने इस नेशन को दी है, जो सेवा आपने की है, और इसी बातों पे इस सेशन को समाप्त करते हैं। थैंक थैंक यू सो यू, मच सर वेलकम फॉर ज्वाइनिंग अस। वेलकम, थैंक यू।